अच्छा ये स्प्रिंट का नाम मैं बार बार सुन रहा हूँ, जरा सा मुझे बताओ कि स्प्रिंट है क्या? अभी KPMG आई थी, आई गॉट सिलेक्टेड एज एन इंटर्न, तो उन्होंने उसमें जो उनको JD दिया था उन्होंने उसमें चेंज मैनेजमेंट के बारे में मेंशन किया हुआ था. दिस इज समथिंग अ इंटर्न और मे बी एन HR प्रोफेशनल शुड नो. तो वो हमको ऑलरेडी करार रखा था स्प्रिंट में. आपका बैकग्राउंड क्या था? आज बैकग्राउंड बीए क्या हुआ था? हाँ जी इकोनॉमिक्स. अच्छा जी बीए इकोनॉमिक्स. यहाँ की जो फैकल्टीज हैं आपके यहाँ जो पढ़ा रही हैं आपको, क्या उनके पास केवल पढ़ाने का ही एक्सपीरियंस है या ऐसी फैकल्टीज भी हैं जिन्होंने खुद कॉर्पोरेट में काम किया हुआ है? वी हैव अ सब्जेक्ट ग्लोबल डिप्लोमेसी. अब हमें पढ़ाने आते हैं हमारे एम्बेसडर संजीव अरोरा, ही इज अ रिटायर्ड IAS ऑफिसर. ही टेक्स आवर लेक्चर्स ऑन दैट. मतलब ऐसे ऐसे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते तो एज ए गेस्ट लेक्चर वो आते हैं. जो डोमेन एक्सपर्ट है वही वो exactly, yeah. वादियों के बीच में ये कैंपस है. कैंपस का लोकेशन बहुत अच्छा है, मैंने कैंपस विजिट किया, मुझे कैंपस बहुत अच्छा लगा. ठीक है, बट दूसरा सवाल मेरे दिमाग में अचानक से आ जाएगा ना, वो ये आएगा कि आसपास कॉर्पोरेट्स नहीं है. और जब MBA PGDM की बात आती है तो ये आता है, पहला लोकेशन आता है बैंगलोर क्योंकि वहां कॉर्पोरेट है ना, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया है. दूसरा पुणे है ना, तीसरा मुंबई, फिर दिल्ली. ये सीक्वेंस हर किसी के लिए अलग अलग हो सकता है. तो फिर आप मुझे कुछ सॉलिड रीजंस दो कि मैं शूलनी को कंसिडर करूं, मैं क्यों उन लोकेशंस को छोड़ दूं और मैं यहाँ एडमिशन लूं. मुझे आउटकम क्या मिलेगा यहाँ से पढ़ने का, चूंकि मैंने अपना टाइम दिया, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थी, मैं कहीं काम कर सकता था, है ना, तो इतना सब कुछ इन्वेस्ट किया मैंने, तो अब रिटर्न क्या मिलेगा इसके बदले मुझे? तो मुझे आप हाईएस्ट प्लेसमेंट बताओ, मीडियम प्लेसमेंट बताओ, और उसके साथ साथ मुझे आप मिनिमम प्लेसमेंट भी बता दो कि मैं क्या एक्सपेक्ट कर सकता हूँ. तो मैं समझता ही चाह रहा हूँ कि स्कॉलरशिप की भी अपॉर्चुनिटीज है यहाँ पे, किसी के पास कोई स्टार्टअप आइडिया हो तो किस तरीके से नर्चर करता है, पहले तो मुझे ये बताओ. क्या कोई इंक्यूबेशन सेल है यहाँ पे जिसमें अगर मुझे फंडिंग की रिक्वायरमेंट होती है तो मुझे फंडिंग भी प्रोवाइड कराया जा सके? प्लस क्या कोई एंजल नेटवर्क से कनेक्ट कराने के लिए भी कुछ इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं? तो स्टार्टअप को लेके किस तरीके का सपोर्ट सिस्टम बना है, जरा उस पर बताओ मुझे. MBA स्टूडेंट्स की एम्प्लॉयबिलिटी कम है, उसके पीछे रीजन ये है ना कि जो करिकुलम आप उनको पढ़ा रहे हो तो आउटडेट हो गया है. तो आप मुझे ये समझाओ कि आप लोगों को टाइम हो चुका, MBA का करिकुलम है, किस तरीके से इन्होंने सिंक किया है अपने करिकुलम को इंडस्ट्री की डिमांड से? आज जो मैं डिस्कशन करने वाला हूँ यहाँ के स्टूडेंट्स के साथ, उस डिस्कशन का फॉर्मेट मैं थोड़ा सा अलग रखने वाला हूँ. मैं अपने आप को आपकी जगह पर रखूंगा, मतलब एक MBA एस्पिरेंट के तरह इनसे डिस्कस करूंगा. अपना पर्सोना मैंने इनको बता दिया है, दोबारा बता देता हूँ आपकी कन्वीनियंस. मेरा पर्सोना ये है कि मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ जिसको पता है कि वो क्या डिजर्व करता है. मुझसे कैट में 99% नहीं आने वाले हैं, तो मैं अपने लिए एक ऐसा कॉलेज देख रहा हूँ जो मुझे 60-70-80% तक में एडमिशन दे दे. मतलब एक एवरेज स्टूडेंट की लच्छा हूँ. मेरे लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि मुझे फैकल्टीज अच्छी चाहिए, मुझे प्लेसमेंट अच्छा चाहिए, कोई मिला के मुझे एक क्वालिटी प्लेसमेंट भी चाहिए, प्लस मेरे लिए कैंपस लाइफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है. इन सारी फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए इनसे डिस्कशन करेंगे. तो आप बने रहिए हमारे साथ, काफी इंटरेस्टिंग फॉर्मेट डिजाइन किया है और ये डिस्कशन आप देखिए आगे किस तरीके से फोल्ड आउट होता है. सो माय नेम इज ऋषभ कुमार, परसुइंग MBA फर्स्ट ईयर. हाय, आई एम सेजल नामता, आई एम परसुइंग MBA इन HR फर्स्ट ईयर. Hi, my name is Satyajit Naik. I'm from Odisha. Okay. And I'm pursuing MBA. This is my first year. Hi, my name is Pallavi Sharma and I am pursuing my business analytics first year MBA. ठीक है, अब मुझे आप ऐसे कंसीडर करो कि मैं MBA एस्पिरेंट हूँ, मुझे MBA करना है और मेरे सारे सवालों का जवाब आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से देना. मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा एज अ फ्रेशर जो अपने लिए एक MBA कॉलेज देख रहा है, और आपका जो थॉट प्रोसेस रहा था इस डिसीजन को लेने के पीछे वो मुझे आप समझाने की कोशिश करना. ठीक है, अगर मैं इस कैंपस को कंसिडर कर रहा होता तो मैं सबसे पहले तो ये देखता कि इसके VC कौन है, क्योंकि बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो जाता है एक ऑर्गेनाइजेशन किस तरफ बढ़ रही है उसके VC से, या उस ऑर्गेनाइजेशन को हेड कौन कर रहा है उसके इंटेंट से बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है. जो क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ मैं उस पर आता हूँ. एक बार मैं प्रोफाइल देखता कि ठीक है, उन्होंने IIT कानपुर से पढ़ाई की हुई है, JBIMS जो जिसको CEO फैक्ट्री कहते हैं वहां से उन्होंने पढ़ाई की हुई है, उसके बाद मैकेंजी जैसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ उन्होंने काम किया है. तो जो मेरे दिमाग में छवि बनती वो ये बनती कि ये ऐसा इंसान है जो एजुकेशन को लेकर सीरियस दिख रहा है, इसके पास इंडिया के टॉप नॉच इंस्टीट्यूशन में पढ़ने का एक्सपीरियंस है, इंडिया की जो इंडिया क्या वर्ल्ड की जो टॉप मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ काम किया हुआ है. तो मैं ये अज्यूम करता कि हाँ ये अपनी लर्निंग्स को करिकुलम का पार्ट बनाएंगे. ठीक है, तो क्या एक्चुअल में ऐसा है? मतलब उनके जो इनसाइट्स हैं, चाहे वो एजुकेशनल बैकग्राउंड से इनसाइट्स हों या जो उन्होंने वर्क एक्सपीरियंस गेन किया हुआ है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जो VC हैं अतुल खोसला सर, उनके इनसाइट्स यहाँ किसी भी तरीके से हेल्पफुल होते हैं आप लोगों को? एक्चुअली में दे आर हेल्पफुल, ऐसा नहीं है कि उनकी साइड से कोई भी हमको वो हेल्प आउट नहीं होता है. कितना फ्रीक्वेंट इंटरेक्शन है उनका आप लोगों से? इंटरेक्शन ड्यूरिंग आवर स्प्रिंट टाइम्स उन लोगों ने हमारे 2-3 लेक्चर्स लिए थे. ओके, एंड यूजुअली कभी कभी ऐसा होता है ही कम्स अप, ही शोज अप, एंड उनकी साइड से बहुत सारे इनिशिएटिव्स होते हैं. एग्जांपल गेस्ट लेक्चर्स जब भी होते हैं ही कम्स एंड स्पेसिफिकली अटेंड्स
जब भी वो फ्री होते हैं दे कम एंड यू नो गाइड अस. ठीक है. और कब इस हमें कभी भी इस तरीके से फील नहीं हुआ लाइक वी कैन नॉट डायरेक्टली अप्रोच देम. वी डायरेक्टली कैन गो एंड इफ वी आर हैविंग कंसर्न्स वी कैन डायरेक्टली गो एंड अप्रोच देम. दैट इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग दैट चुलेनी प्रोवाइड्स अस. बीइंग वेरी ऑनेस्ट यहाँ पर किसी भी स्टूडेंट को एम बी ए फर्स्ट ईयर माई बी एनी ईयर यहाँ पर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी फैकिलिटी से आई डोंट थिंक एज सच कोई भी प्रॉब्लम रही होगी बिकॉज दे आर वेरी वेलकमिंग इंटरैक्टिव एक्चुअली. एंड कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन सो जब भी वी सी सर हमारे पास आते हैं ही ट्राइज टू गिव अस द बेसिक नॉलेज. दो उनके पास बहुत ही हाई लेवल का नॉलेज है ही ट्राइज कि वो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करे सो दैट ईच वन ऑफ अस बिकॉज हर लोग डिफरेंट बैकग्राउंड से है. सम ऑफ देम आर फ्रॉम साइंस सम ऑफ देम आर फ्रॉम कॉमर्स एंड डिफरेंट स्टफ. सो ही ट्राइज टू यू नो हेल्प अस टू गेट द बेसिक नॉलेज सो दैट एटलीस्ट वी आर क्लियर विद दैट एंड वर्क ऑन आर स्किल्स डे बाई डे. ओके. प्रोबेबिलिटी वाला प्रॉब्लम है ना उसके पीछे एक तरफ जो इंडस्ट्रीज की तरफ से आता है जो फैकल्टीज पढ़ा रही है उन्होंने खुद कभी कॉर्पोरेट में काम ही नहीं किया है तो वो आपको क्या बताएंगे कि कॉर्पोरेट में काम कैसे होता है. तो जो मेरे लिए एक एडवांटेज होता है इस इंस्टीट्यूशन को ऑप्ट करने के पीछे वो ये होता है कि इसके जो वीसी है उन्होंने खुद बड़े ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम किया हुआ है. तो जब एक हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन की अच्छे ऑर्गेनाइजेशन से था तो उसने काम किया होता है तो अपने इनसाइट्स लेके आएगा प्लस उसके हायरिंग पैटर्न में वो चीज़ देखने को मिलेगी कि जब वो फैकल्टीज हायर करने बैठेगा तो वो वैसी ही फैकल्टीज लेके आएगा जिसके पास एक्सपर्टीज हो. तो आप मुझे जरा से समझाओ मेरा अजम्पशन ये कितना सही होगा. अच्छा स्ट्रेट फॉरवर्ड में पूछूं यहाँ की जो फैकल्टीज हैं आपके यहाँ जो पढ़ा रही हैं आपको क्या उनके पास केवल पढ़ाने का ही एक्सपीरियंस है या ऐसी फैकल्टीज भी हैं जिन्होंने खुद कॉर्पोरेट में काम किया हुआ है. दिस इज द ओनली बेनिफिट शोलिनी हैज क्योंकि हमारे जितने ही प्रोफेसर्स हैं वो कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर चुके हैं. आप फाइनेंस ले लो. रिसेंटली एचआर प्रोफेसर जॉइन्ड अस अभिषेक सर ही इज द एचआर हेड ऑफ गोदरेज. He teaches us, तो वो जिस तरीके से हमें पढ़ाते हैं हमें केस स्टडीज प्रोवाइड करते हैं वो बस थियोरेटिकल नॉलेज नहीं देते. ट्राइज टू गिव अस मोर प्रैक्टिकल नॉलेज कि तुम एक्चुअली में कैसे कंपनी में जाके काम करोगे. दिस इज द बेनिफिट वी हैव. वी सी सर डीन ले लो अवनी मैम आर प्लेसमेंट हेड विली शी इज वर्कड इन पी डब्ल्यू सी कंपनीज लाइक दैट सो दे ऑल मेक श्योर दैट वी गेट द वाइब ऑफ वॉट हाउ एक्चुअली We are supposed to dress like that. They are very strict with this. We have a dress code. We are supposed to dress like that. Maintain ourselves professionally. Because MBA is a course. Everybody looks at us when we cross in a campus. So this is something they maintain us very strictly. We are told to maintain it. जैसे कि आप देखोगे कि आपने बोला अतुल सर के पास इतना सारा एक्सपीरियंस है तो हमें उनको जो नॉलेज है उसका एक्सेस मिल रहा है उसके साथ भी उनका जो नेटवर्क है उसका एक्सेस मिल रहा है. बिल्कुल. तो उनके नेटवर्क से जो भी इंडस्ट्री में काफी सारे जो टॉप लेवल पे हैं वो आके हमें गेस्ट सेशंस लेते हैं. अब जैसे कि आप देखेंगे हमारा जो आपने बात किया कि आपको कौन पढ़ा रहा है तो अगर आप देखेंगे फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेस में तो उसमें हमारे जो डीन हैं तो वो खुद सिटी बैंक में काम किए हैं और काफी सारा एक्सपीरियंस उनको है और खुद भी अशोका यूनिवर्सिटी में वो डीन रह चुके हैं. और आप जितने भी जो भी हैं ना वो सब रियल लाइफ में प्रैक्टिशनर्स थे अभी आके हमें सिखा रहे हैं. बिल्कुल. तो मुझे ऐसा लगता है ना कि जो सबसे बड़ा डिफरेंस यहाँ क्रिएट हो जाता है ना कि आपको पढ़ा कौन रहा है. करिकुलम को आपने इंडस्ट्री रेलेवेंट बना दिया लेकिन केवल काम वहाँ खत्म नहीं होता है उस करिकुलम को पढ़ा कौन रहा है. अगर ऐसा इंसान आपको पढ़ा रहा है ना जिसने खुद कॉर्पोरेट में काम किया हुआ है तो उसको कॉर्पोरेट नुएंसेस पता है कि एक्चुअल में कॉर्पोरेट फंक्शन कैसे होता है तो वो आपको शेयर कर पाएगा. तो कितने परसेंट फैकल्टीज होंगी जिन्होंने कॉर्पोरेट में काम किया हुआ है और कितने परसेंट ऐसी फैकल्टीज होंगी जिनके पास केवल और केवल टीचिंग एक्सपीरियंस है. सबसे बड़ा फायदा होता है कि अगर आप इंडस्ट्री में ना जैसे कि अगर आप ट्रेडिशनल प्रोफेसर्स होते हो जिनको कोई नॉलेज नहीं हो तो वो आपको ऐसी चीजें कराएंगे कि जो इंडस्ट्री में काम नहीं होगा रेलेवेंस नहीं है जिनका. लेकिन ये ना वो जो चीजें होता है उसको काट देते हैं और आपको जो चाहिए एक्चुअली में काम करना तो उसमें फोकस करवाते हैं. या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर आपको थ्योरी वाला पोर्शन में भी वो पढ़ा रहे हैं ना तो उसको उनका अप्रोच ऐसा होगा कि उसका एग्जीक्यूशन कैसा रहता है इंडस्ट्री में वो उस वाले एंगल से आपको पढ़ाते होंगे. राइट. तो अच्छा आपके दूसरे जो फ्रेंड्स हैं वो तो दूसरे कॉलेज में भी पढ़ रहे होंगे तो दोनों की टीचिंग मेथोडोलॉजीज को लेकर आप लोगों का डिस्कशन होता है तो आप लोगों को समझ में आता है कि विजिबल डिफरेंस है. आई हैड अ फ्रेंड आई वुडंट नेम द यूनिवर्सिटी. नहीं नाम नहीं. एक साल सीनियर ही बोल रही मैं. मैंने उनको भी कंसिडर किया था जब मुझे एडमिशन लेनी थी बट व्हाट ही सेड वाज कि यू नो यू वोंट गेट दैट एक्सपोजर. ऐसे नहीं है बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी. उन्होंने बोला हमको सिर्फ थ्योरी थ्योरी पढ़ाई जाती है और कहीं ना कहीं हम यहाँ पे अटक जाते हैं जब प्रेजेंटेशन देने की बात आ जाती है. हमें नहीं समझ आता कि कैसे प्रेजेंट करें. कोई गेस्ट लेक्चर आ रहा है हम वी फील नर्वस कि पूरा का पूरा इट्स जस्ट एग्जाम्स भी है. थ्योरेटिकल थ्योरी 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 प्रैक्टिकल चीज पे फोकस ही नहीं किया जाता. शूलिनी की बेस्ट बात ये है
थ्योरी के साथ साथ हमें प्रैक्टिकली बहुत पुश किया जाता है। जब मैं रिपोर्ट्स उठा के देखता हूँ तो हर तरफ मुझे एक ही रिपोर्ट देखने को मिलती है कि MBA स्टूडेंट्स की एम्प्लॉयबिलिटी एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। जो रिपोर्ट्स कहती है वो ये कह रही है कि जो MBA स्टूडेंट्स की एम्प्लॉयबिलिटी कम है उसके पीछे रीजन ये है ना कि जो करिकुलम आप उनको पढ़ा रहे हो वो एक तो आउटडेट हो गया है, मैनेजरियल स्किल्स उनके अंदर आप बिल्ड ही नहीं कर पाओगे, दूसरा जो इंडस्ट्री स्किल्स की रिक्वायरमेंट है वो पढ़ा नहीं रहे हो, आप आउटडेटेड करिकुलम पढ़ा रहे हो। तो आप मुझे ये समझाओ कि आप लोगों को टाइम हो चुका है ठीक ठाक है ना, MBA का करिकुलम है किस तरीके से इन्होंने सिंक किया है अपने करिकुलम को इंडस्ट्री की डिमांड से। सो आपने जैसे कि बोला कि एम्प्लॉयबिलिटी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, आफ्टर MBA कंप्लीट करने के बाद आपको जॉब्स नहीं मिलते, तो इसका सबसे बड़ा रीजन मैं बताऊंगा कि लोग के पास वो स्किल्स नहीं होते, स्टूडेंट्स के पास वो स्किल्स नहीं होते। बिल्कुल, तो उसका रीजन ये होता है कि आप काफ़ी सारे MBA कॉलेजेस में देखोगे, जैसे कि मैंने इधर MBA करने से पहले मैंने काफ़ी सारे कॉलेज का जो करिकुलम होता है मैंने चेक किया था, तो वो आउटडेटेड है। बिल्कुल, अभी जैसे कि AI आपका है, AI से कैसे मार्केटिंग किया जाए और आपके डिजिटल मार्केटिंग कैसे आप इनोवेशंस कैसे ला सकते हो, तो वो सब इंक्लूडेड नहीं है। लेकिन सुलिनी यूनिवर्सिटी में अगर आप MBA करिकुलम देखेंगे तो भी चेक कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी में आपको जो वेबसाइट है मिल जाएगा, ठीक है, तो उसमें आप देखेंगे ना सारे जो नया चीज़ें इनोवेशंस आए हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, आपके जो नया सॉफ्टवेयर्स आए हैं, जो भी कुछ चेंजेस हो रहा है मैनेजमेंट स्टडीज में, वो सारे कुछ इंक्लूडेड है, ठीक है। और आपको जो लाइब्रेरी में भी एक्सेस मिल जाता है काफ़ी सारे चीज़ों की, तो आप खुद भी पढ़ सकते हैं और आपको पढ़ाया जाता है। और जो इंडस्ट्री लीडर्स होते हैं ना, जो कि आप अगर मान लीजिए मैं मार्केटिंग में हूँ, तो मार्केटिंग में जो HR होते हैं उनके साथ कंसल्ट करने के बाद ही ये करिकुलम डिजाइन किया जाता है। अच्छा, और इसीलिए हमारे गेस्ट लेक्चर्स स्पेशली हमारे जो डीन सर है ही टेक्स दिस इनिशिएटिव, क्योंकि हमारे गेस्ट लेक्चर्स अलग स्पेशली इवन इफ इट्स अ संडे ही मेक्स श्योर वी हैव अ गेस्ट लेक्चर, पीपल फ्रॉम डिफरेंट कंपनीज एंड यूनिवर्सिटीज़ का। अभी KPMG आई थी, आई गॉट सिलेक्टेड एज एन इंटर्न, तो उन्होंने उसमें जो उनको JD दिया था उन्होंने उसमें चेंज मैनेजमेंट के बारे में मेंशन किया हुआ था। दिस इज समथिंग अ इंटर्न और मे बी एन HR प्रोफेशनल शुड नो, तो वो हमको ऑलरेडी करा रखा था स्प्रिंट में, सो इट वॉज ए प्लस पॉइंट। जब वो आए थे ही मेड श्योर कि क्या क्या नई चीज़ें आ रही है। अभी तो वो जब गेस्ट लेक्चर आए थे तो उन्होंने हमें टैलेंट मैनेजमेंट ये सारी चीज़ें सिखाई जो हम सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ेंगे, बट ऑलरेडी हम आपको जो हमारे डी ने मिक्सचर के आइडिया मिल जाए हमें कि क्या चल रहा है, कंपनीज कैसे चलती है, तो हमें थोड़ा आइडिया मिल जाए और हम उस चीज़ को पढ़ना स्टार्ट कर दें। जब हमारी 21 दिन की स्प्रिंट हुई थी। अच्छा, ये स्प्रिंट का नाम मैं बार बार सुन रहा हूँ, जरा सा मुझे बताओ कि स्प्रिंट है क्या एक्चुअल में? टेक गेस अप प्रोग्राम है, जैसे कि आप जानते हैं कि काफी सारे बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं। कब स्टार्ट होता है पहले मुझे ये बताओ। मैंने एडमिशन लिया, अब मैंने फी वगैरह डिपॉजिट कर दिया है ना, अब मैं कैंपस आया, कैंपस आते हैं, दो दिन रेस्ट, स्प्रिंट करोगे क्या सर? ऑफिस में दौड़ाओगे मुझे? नहीं नहीं, ये बेसिकली लर्निंग के बारे में, आप कैंपस आओगे, आप दो दिन रेस्ट करोगे, फिर आपका एक गेस्ट लेक्चर। अच्छा, दो दिन का रेस्ट मिलेगा मुझे? उसके बाद ओरिएंटेशन होती है, ओरिएंटेशन में क्या बताया जाएगा मुझे? वाइस चांसलर अपने आपको इंट्रोड्यूस करेंगे आपसे कि कौन क्या पढ़ाएगा, वो आपकी इंट्रोडक्शन लेते हैं कि आप किस किस बैकग्राउंड से, उसके बाद डिनर होता है। क्या डिस्कशन होता है, मतलब जब बैठते हैं सब लोग तो क्या होता है, अप्रोच क्या होता है? यूजुअली सबका जेलअप करने का अप्रोच होता है, नेक्स्ट की अब क्या होगा, एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं ना, ठीक है, कैसे होंगे टीचर्स, कैसे होंगे? In fact, not only students but teachers खुद आके you know देते हैं। अच्छा, ठीक है। कल टीचर आते हैं, उनके साथ बैठ के आप डिनर करते हैं, एक जैम सेशन भी होता है। मतलब ताकि तो जलक हो जाए ना, मतलब दोनों एक दूसरे को समझ पाए। ठीक है। फैकल्टी स्टूडेंट्स भी आते हैं। आप अगले दिन फिर क्या होगा? उसके बाद आता है शेड्यूल आपके व्हाट्सएप पे कि आपका ये शेड्यूल है सुबह। अच्छा, व्हाट्सएप ग्रुप बन गया, मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दो ना, पहले ही हो जाएगा। अच्छा, यहां से मैं फी डिपॉजिट करूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया जाएगा। अच्छा ठीक है, फिर आपका शेड्यूल आएगा कि आपका सुबह 7 से 8 है। ठीक है, स्टार्टिंग ऐसी होती है योगा से, जस्ट टू अच्छा योगा कराया जाएगा। ठीक है, ऐसे करके समझते हैं, अगले दिन उठे शेड्यूल आ गया तो पहले दिन योगा, पहले दिन नहीं 21 दिन योगा होगा। ठीक है, चलो योगा हो गया, फिर आगे आप क्या? रोज का अलग शेड्यूल होता है, किसी दिन जैसे फर्स्ट डे होगा उस दिन आपका इंट्रोडक्टरी सेशन है, MBA में होता क्या है, आपको आएंगे वाइस चांसलर आएंगे, वो आपको ग्रीट करेंगे, डीन सर आएंगे, फिर आपको दिया जाएगा कि ठीक है आज इस टॉपिक पे कर रहे हैं, जैसे कि सपोजली आज हमें एक्सेल पे काम करना है, तो जो हमारे एक्सेल के प्रोफेसर है वो आएंगे उस दिन क्लास में, वो हमको टास्क देंगे, पहले हमें पढ़ाया जाएगा फर्स्ट हाफ में कि एक्सेल क्या होता है, उसके बेसिक्स क्या होते हैं, उसके बाद हमारी सबसे पहली बात होती है हमें टीम्स में डिवाइड कर दिया जाता है, सबसे इम्पोर्टेंट। अच्छा, मतलब जितने भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं सबको टीम्स में डिवाइड, 10
सबसे पहले चीज ये करती जाती है कि हम एज अ टीम काम करना सीखे इंडिविजुअली, मतलब ये डे वन से स्टार्ट हो गया, पहले ही दिन आपकी टीम्स डिवाइड हो जाती है और ये ओरिएंटेशन वाले दिन ही हो जाता है, नॉट इवन फॉर द नेक्स्ट डे डिवाइड कर दी जाती है. फिर हमें मिल जाता है, जैसे पहले दिन एक्सेल हमें पढ़ा रहे हैं सर, फर्स्ट हाफ में हमें एक्सेल पढ़ाएंगे, सेकंड हाफ में हमारे असाइनमेंट मिल जाती है, ठीक है, उसमें हमको करनी भी है और फिर प्रेजेंट करनी है वहां. अच्छा, से हमारी प्रेजेंटेशन डे वन से आपको कैसे कंपनी बिल्ड करते हैं वो आपका टीम आपका कंपनी होता है. अच्छा, डे वन से आपका टीम ही आपका कंपनी होता है, उसका नेम क्या रखना है, उसका लोगो कैसे रखना है, आपको एक टीम करना पड़ता. जैसे कि हमने किया था मार्केट डिसरप्टर्स, हमारा जो टीम का नाम था मार्केट डिसरप्टर्स, मेरा दो अल्फाज था, मेरा एमबीपीस था, तो हमने उनका लोगो वगैरह डिजाइन किया था, पीपीटी पूरा जो होता है ना ब्रांडिंग वगैरह वो सब सीखते हैं डे वन से. बेसिकली एक कॉम्पिटिशन की तरह किया जाता है कि हमें स्प्रिंट का जो लास्ट डे था उसमें टॉप 10 परफॉर्मर्स कौन थे और टॉप 3 जो टीम्स थी वो कौन थी, ये सारा उसमें होता है. तो हमें उसी के तरीके से पूरी स्प्रिंट में कराया जाता, अलग अलग टॉपिक्स होते हैं. किसी एक दिन आपको एचआर के बारे में सिखाएंगे, अगले दिन आपको मार्केटिंग के बारे में सिखाएंगे, और नॉट ओनली प्रोफेसर्स बट गेस्ट लेक्चरर्स आते हैं बाहर से, डिफरेंट डिफरेंट, मजा भी आता हुआ है, बहुत ज्यादा मजा आता है, हेक्टिक भी होता है. मैं विजुलाइज कर पा रहा हूँ कि बहुत मजा आता है क्योंकि आपको एज ए टीम में काम करना पड़ता है, फिर आपको एक्चुअली रियलाइज होता है कि यार कंपनी में भी ऐसे होंगे, किसी के साथ बनेगी नहीं बनेगी, पर करना आपको कंपनी ऐसे काम करना, मतलब टीम में कैसे काम करते हैं, वहीं से स्टार्ट होगी, अच्छी होगी किसी की, अच्छी होगी फिर जब पूरा साथ लेके चलता है, एक टीम लीडर अपॉइंट करता है, आज तक तो मेरे लाइफ में सबसे मतलब अच्छा बेस्ट एक्सपीरियंस रहा. तो ये जो मैकेनिज्म बनाया गया है, मैंने बहुत सारे और कॉलेजेस के स्टूडेंट्स इंटरेक्ट किया है, वहाँ पे ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है ना. मुझे लग रहा है कि ये जो विजन है, जो वास्ट एक्सपीरियंस है, उसको उन्होंने ध्यान में रखते हुए ऐसा जो मैकेनिज्म है स्टार्टिंग के 21 दिनों के लिए वो मोल्ड किया हुआ है, ताकि सब लोग एक पेज पे आ जाए, है ना, और सब में एक टीम की फीलिंग आ जाए और सब एक दूसरे को जान भी जाएंगे. अगर एक कॉम्पिटिशन वाली बात होगी तो ठीक है, सब कॉम्पीट भी करेंगे, हेल्दी कॉम्पिटिशन होगा, प्लस पीयर लर्निंग भी होगा, कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाए हर किसी में, द मेन एस्पेक्ट, द मेन रीजन, अपनी स्किल होने पता चल जाए कि हाँ, कि मेरे को अभी तक नहीं पता था कि आई एम गुड एट दिस, यस आई एम गुड एट दिस, एंड सो मैनी, वो इससे आपकी इंटेलिजेंस भी देखते हैं कि आप कहाँ से कल सोच सकते हैं कि कहाँ तक नहीं सोच सकते. तो स्प्रिंट एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है छोड़ने की तरफ से, जो आपको बता रहा है कि आप हु यू आर, where you are standing in your life, and how you can think, how you can represent, how you can gain the knowledge from the things with where what you are getting, and with respect to this you are in the team, so you going to know that how you can analyze a person, how you can implement the things, agar meri isse acha nahi ho raha to what other things I can ask her to do for me in a group. So sprint is a great program and it was fully packed for us, so it is a to know manage the things. How to manage, where we need to lunch, hostel jana hai, lunch karna hai, fir aana hai. It's a great program, I think. और जो मेन चीज है, दैट्स समथिंग यू लर्न फ्रॉम योर कलीग्स एज वेल. आप एक टीम में हो, आई हैव अ टीम मेंबर, ही इज गुड विद एक्सेल, आई एम नॉट, आई एम गुड विद प्रेजेंटेशंस, और ही इज नॉट, सो वी जस्ट सिट टुगेदर, पूरे दिन आपको साथ बैठने, जस्ट सिट टुगेदर, यू वर्क टुगेदर, यू लर्न इट, आप सीख रहे हो. क्लास में सीखना इज अ डिफरेंट थिंग, बट जब आप ऐसे बैठे हो एक रूम में, आप सीखते हो उस चीज से, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मुझे लगी, लर्निंग, दैट इज समथिंग. Even today, we are divided in groups. In our class, we do group activities. Okay. Assignments aati hai, individually bhi aati hai. We do that individually. But at the same time, there are group assignments. So we have to work collectively on that. Koi data collection kar raha hai. Kafi bachche hote hai na, kafi different backgrounds se aate hai. Government school se aata hai, koi private school se aata hai. लेकिन उनमें टैलेंट होता है, लेकिन वो उसमें डर होता है. डर होता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, ये कर पाऊंगा. लेकिन जब उनको स्टेज मिलता है, जब उनको बार बार प्रेशर मिलता है, तो वो निखर के आते हैं. तो ये इसका जैसे कि सीजन की केपीएमजी में हो गया, तो उसमें आई थिंक स्प्रिंट का काफी बड़ा रोल है, क्योंकि आपको क्या लगता है कि कितना बड़ा रोल रहा? चलो इनको लगता है कि बहुत बड़ा रोल था, आप क्या विजिबल डिफरेंस देख पा रहे हो जब आप आए थे? आपका बैकग्राउंड क्या था? आपने ग्रेजुएट किया बैकग्राउंड यूनिवर्सिटी से नहीं, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस गवर्नमेंट कॉलेज. अच्छा, तो एक मैसेज और है यहाँ पे कि अगर
ऐसा एक जो मिथ होता है ना कि बीए वाले कुछ नहीं कर पाएंगे वो उसका एक जीता जाता एग्जांपल, आप अगर बीए किया है आपने उसके बावजूद आप इतना अच्छा, और केपीएमजी ड्रीम ऑर्गेनाइजेशन होती है, मिलने के लिए है ना, तो भी फर्स्ट सेमेस्टर में, फर्स्ट सेमेस्टर में, इट्स नॉट इवन फर्स्ट सेमेस्टर। आप मुझे बताओ कि स्प्रिंट का क्या रोल रहा उस इंटरव्यू को ग्रैब करने में? मेरे लिए तो बहुत ही ज्यादा, इट वाज जस्ट लाइक इनिशियली जब मैं आई थी, आई वोंट लाइ फॉर दिस, आई वाज वेरी नर्वस। जब स्टेज पे चढ़ना था कई बार ब्लैकआउट हो जाता था कि ओ अब प्रेजेंटेशन देनी पड़ेगी, जज करेंगे लोग, ये मेन चीज होती है जब आप स्टेज पे जाते हैं। लेकिन 21 दिन में वहाँ को इतना प्रैक्टिस करवाया, रोज आपको स्टेज पे जाना पड़ेगा, और मैं तो थी भी अपनी टीम, सबको जाना पड़ेगा। हाँ, ऐसा नहीं कि भाग जाओगे, छुप जाओगे पीछे कहीं बेंच पे, अगर कोई जाता है तो पूरा टीम का मार्क्स कटेंगे, पूरा टीम का मार्क्स जाने नहीं देते किसी। अटेंडेंस लगती है सुबह शाम से, कि आप जाके कुछ भी बोल दो, बस बोलो, जस्ट बी देयर, प्रेजेंट योरसेल्फ एज अ प्रोफेशनल, ट्राई तो करो, इट इज धीरे धीरे सीखोगे, फर्स्ट डे नहीं सेकंड डे नहीं सीखोगे, आपको ना फ्रीडम ऑफ क्रिएटिविटी मिलता है, आपके कोई मतलब जज नहीं कर रहा है, जज नहीं, कोई प्रोटोकॉल नहीं होता। हाँ, जज हो जाओगे अगर आप छूट रहे हो, अगर नहीं जा रहे हो जज हो गया, तब आप जज, आप किसी भी चीज को अपने तरीके से भी प्रेजेंट कर सकते हैं, लाइक इफ यू वांट टू एक्ट समथिंग यू कैन एक्ट, कुछ सही गलत नहीं है, आपको बस जो फियर है आपका जैसे कि आप कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हो तो काफी सारा क्राइटेरिया होता है, ऐसे देना है वैसे बना है, लेकिन इधर आपको खुली छूट मिलता है। इसने जैसे कि एक डांस करके उसका प्रेजेंटेशन दिया था, बिजनेस प्लान प्रेजेंट किया था, तो इट वॉज लाइक बहुत ही अच्छा था, तो वो फ्रीडम मिलता है जब आप आउट ऑफ द बॉक्स करते हो ना, तो वहीं से इनोवेशन का रास्ता। इनिशियली वो हमारी यही देख रहे हैं ना, क्रिएटिविटी, हमारी स्ट्रेंथ्स देख रहे हैं कि ओके व्हिच फील्ड दे नीड टू वर्क ऑन अस। इनिशियली वो 21 दिन वही जज करते हैं। बीए में नहीं है, सुरिनी यूनिवर्सिटी के जो फाउंडर सारे इट्स फॉर बीए फार्मा एवरीथिंग सब में। अगर आप कैंपस देखोगे ना, काफी सारे ट्रेडिशनल चीजें नहीं है, नया चीज आपको देखेंगे, एक्सपेरिमेंट किया गया है ताकि और अच्छा चीजें इनोवेशन हो सके, तो ये बहुत ही बेस्ट चीज है। हाँ, आप पे आते हैं, कैसे हेल्पफुल कैसे रहा स्प्रिंट आपके? क्योंकि स्प्रिंट में हमारी जैसे टीम्स डिवाइड हो रही थी, तो सबसे पहले चीज थी जीडीज, हमें जीडीज की बहुत प्रैक्टिस करवाते थे कि हम ग्रुप डिस्कशन में कैसे बैठोगे, आपको एक मच्छी मार्केट नहीं बनानी है, दिस इज तो हमें सिखाया गया कि ठीक है पर्सनल इंटरव्यू कैसे लिया जाता है, आप ग्रुप डिस्कशन में कैसे बैठते हो, कैसे अपने आपको इंट्रोड्यूस करते हो, मतलब पॉइंट जीरो से सिखाते हैं आपको कि कैसे। जब मैं उस दिन अपने इंटरव्यू के लिए बैठी थी, आई वॉज नर्वस, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा कॉन्फिडेंस था कि यार इतनी बारी प्रैक्टिस कर ली है, वो भी चांसलर सर आए हैं, उनके सामने आपका जीडी हो रहा है, आप प्रेजेंटेशन उनके सामने दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो डर निकल जाता है आपका इतना प्रैक्टिस करने के बाद, तब फिर आप कहीं भी बैठ सकते हो इंटरव्यू के लिए। ऐसा नहीं हो कि डर नहीं लगेगा, बट आपने वो डर ऑलरेडी इतनी बार झेल लिया, कर लिया, तो फिर आप वहाँ पे डरोगे नहीं, हिचकोगे नहीं, है ना। फिर वही बात होती है ना कि हम आपको प्रैक्टिकली नॉलेज इतनी नहीं देते कि आप इतने कॉन्फिडेंट होते, क्योंकि जब मैं बैठी इंटरव्यू में देयर वाज नथिंग दैट उन्होंने मुझसे कुछ ऐसे पूछा जो मुझे नहीं पढ़ाया गया था, और बुकिश लैंग्वेज नहीं थी, वो सारा प्रैक्टिकल नॉलेज पूछा गया था, वो ऑलरेडी मेरे साथ क्लास में हो चुका था, मैंने एक्सपीरियंस कर लिया था, जो भी उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड मुझे पढ़ाया, वैसे हमने जीडीज फेस कर रखे थे, नॉट ओनली इन स्प्रिंट, बट जब हमारे आई थी अपॉर्चुनिटी उससे पहले आर डीन एंड तेजस मेड श्योर कि हमारा जीडी हो, हमें बताया जाए कि ओके हाउ यू विल फेस या करंट टॉपिक्स पे हाउ यू नीड टू ब्रश योरसेल्फ, मतलब हमें ऑन पॉइंट रखते हैं, ऐसा वो बिल्कुल ट्राई नहीं करते कि बच्चों को बिल्कुल ऐसे रखते कि नो यू नो यू आपको अगर प्रोफेशनल काम करना है तो यू नीड टू मेंटेन योरसेल्फ, लाइक यू हैव टू। अदिति से जब बात, अदिति नाम था उनसे जब बात हो रही थी, तो एक काफी यूनिक चीज जो उन्होंने बताई जो मुझे बहुत लगा कि काफी हेल्पफुल होगा, जो भी ऑर्गेनाइजेशंस आ रही हैं उनकी स्पेसिफिक ट्रेनिंग भी एक रात पहले प्रोवाइड की जाती है स्टूडेंट को, और जिस भी जॉब प्रोफाइल के रिगार्डिंग वो आ रही है, तो ये बहुत बड़ा हेल्प होता होगा। हमें भी ऐसे ही प्रोवाइड करवाया गया था कि 3 दिन थे, वी गॉट द जॉब डिस्क्रिप्शन फ्रॉम द कंपनी की इंटर्न है, उनको ये चाहिए, सो इंटरव्यू एंड अ ग्रुप डिस्कशन वाज शेड्यूल्ड। जो बच्चे घर गए हुए थे जो नहीं करवा रहे थे, उनके लिए दे मेड श्योर कि वो ऑनलाइन अटेंड कर सके उस चीज को, इस चीज की भी वो हमारी यूनिवर्सिटी ध्यान रखती है कि जस्ट बिकॉज कोई बीमार है नहीं अटेंड कर पा रहे तो ऑनलाइन पूरी फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। तो उन्होंने ऐसा नहीं कि जस्ट बिकॉज दे आर डीन तो वो हमसे प्यार से क्वेश्चन पूछेंगे, दे वर वेरी स्ट्रिक्ट ड्यूरिंग दी पर्सनल इंटरव्यू और जीडी राउंड्स, मतलब वो पूरी कोशिश करते हैं कि हमको पूरा पूरा इस तरीके से वो पुश करें कि आप बैठे हो, आप कॉर्पोरेट लाइफ में ही बैठे हो, इस तरीके से हमको ट्रीट किया जाता है यूनिवर्सिटी में। पर सुना थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि अब मैं एक ऐसा स्टूडेंट हूं जिसने कैट के लिए कोशिश किया था, बट मुझे पता है यार कि मेरे बस का कैट नहीं था, बस मैंने जस्ट फॉर द सेक दे दिया था, है ना।
मेरे वही 70-60-70% डाइल दे, बट मैं ये रिस्क भी नहीं ले सकता हूँ कि मैं बस नाम के लिए एमबीए करूँ, है ना। फिर मैं उस वाले थॉट प्रोसेस से एमबीए कॉलेज अपने लिए देख रहा हूँ, तो आप समझ रहे हो, है ना। मैं बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं हूँ, मुझे ऐसा कॉलेज चाहिए जो मुझे नर्चर कर पाए, मुझ में वो स्किल्स नहीं है जो मैनेजरियल स्किल्स होनी चाहिए, वो मुझ में नहीं है, तो बट मैं रिस्क भी नहीं ले सकता हूँ क्योंकि इसके बाद मैं और कोई पढ़ाई नहीं करने वाला हूँ। यही एक फाइनल एजुकेशन है जो मैं लेने वाला हूँ फॉर्मली, मतलब लर्निंग्स तो लाइफ लॉन्ग चलेगी बट फॉर्मल एजुकेशन जो होगी मेरी वो ये लास्ट हो गया ना, तो मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि मैं बहुत सारे ऑप्शंस को देखूं एंड देन फाइनली डिसाइड करूं, इसलिए मैं इतना डीप में जाके आप लोगों से समझना चाह रहा हूं। ठीक है, ये जो स्प्रिंट वाला कॉन्सेप्ट था ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा और मुझे लग रहा है कि ये बाकी कॉलेज को भी फॉलो करना चाहिए। मतलब हमारी कोशिश भी यही है, अगर मैं आपको बताऊँ तो अभी हमने आई एम इंदौर, आई एम बैंगलोर जैसे इंस्टीट्यूशंस को भी कवर किया ना, एसपी जैम को कवर किया हमने, तो हमारी कोशिश जो इस पूरी जर्नी के थ्रू है ना 7,000-8,000 किलोमीटर हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो हमारी कोशिश ये है ना कि हर कॉलेज जो कुछ अलग कर रहा है, जिसका इम्पैक्ट दिख रहा है वहाँ के स्टूडेंट्स पे, वो मतलब इन इनिशिएटिव्स को दूसरे कॉलेजेस भी अपने यहाँ इंप्लीमेंट करें, ताकि जो ओवरऑल कलेक्टिवली एम्प्लॉयबिलिटी का जो क्राइसिस है उसको हम लोग सॉल्व कर पाए ना। मुझे लग रहा है ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये बाकी कॉलेजेस को भी फॉलो करना चाहिए, है ना। ठीक है, चलो स्प्रिंट से आगे बढ़ते हैं, स्प्रिंट आपने करा दिया, अब फिर आगे क्या? अब यहाँ चैलेंज ये आता है कि ठीक है आपने मुझे पढ़ा दिया, करिकुलम को आपने बता दिया कि पहले से ही शोलरी ने सिंक में कर रखा है जो इंडस्ट्री के डिमांड है, फैकल्टीज आपने टॉप नॉच हायर कर रखी है, जो यहाँ के वीसी हैं उनके पास ऑलरेडी इतना डाइवर्स एक्सपीरियंस है। अब बारी आती है कि चलो 4-6 महीने पढ़ने के बाद अब मुझे इंटर्नशिप की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, है ना, क्योंकि एक क्लोज एनवायरमेंट में यहाँ रह रहा था, अब मुझे रियल लाइफ एप्लीकेशन जो भी मैंने पढ़ा हुआ है उसका रियल लाइफ एप्लीकेशन मुझे करना है ना, तो इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटीज किस तरीके से मिलेंगी मुझे, क्या मैकेनिज्म बनाया हुआ है शोलरी ने इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज के लिए स्टूडेंट्स के, इस पे जरा सा फोकस करके मुझे बताओ इंटर्नशिप किस तरीके से मिलती है। मोर देन 100 कंपनीज आर देयर, ठीक है, जिसमें आप आपके इंटर्नशिप कर सकते हैं आपके डोमेन के हिसाब से। ठीक है, तो जब स्प्रिंट होता है ना तब हमको रिज्यूमे बनाना सिखाते हैं। ठीक है, तो तब से हम स्टार्ट करते हैं, एक्सेल वहीं सिखा दिया आपको, स्टार्ट कर रिज्यूमे दिया। भी सिखाते हैं। ठीक है, और बाकी जो कॉमन थिंग्स होता है जैसे कि मार्केटिंग वगैरह में होता है आपके प्रोडक्ट रिसर्च मार्केटिंग रिसर्च ये सब कुछ स्टार्टअप करना भी सिखाते हैं, आपका खुद का बिजनेस आइडिया आपको प्रेजेंट करना पड़ता है, उसमें आपको 5 ईयर्स में क्या देखते हो, 5 ईयर्स में कितना ग्रोथ होगा उसका भी हम प्रेजेंट करते हैं, तो ये सबसे आपको तो आइडिया आ जाता है कि आप इंडस्ट्री में जाके क्या। मैं तो समझना चाह रहा हूँ, अभी समझो, मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि इंटर्नशिप के लिए, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछ रहा हूँ, इंटर्नशिप के लिए क्या मतलब खुद हाथ पैर मारना होगा या कॉलेज मेरे इंटर्नशिप यूनिवर्सिटी हेडेड बाय अवनी खोसला मैम, शी मेक्स श्योर कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज है वो आती है, फिर स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग जैसे हमारे रेज्यूमे बनाए हमारी स्पेशलाइजेशन है उसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स, फिर जैसे भी कंपनी का जॉब डिस्क्रिप्शन आया हुआ है उसके अकॉर्डिंग जो उनके राउंड्स होते हैं फिर उसमें जीडीज में बैठेंगे, इंटरव्यूज में बैठेंगे, आर यूनिवर्सिटी ट्राइज टू गेट मैक्सिमम ऑफ द प्लेस। अच्छा, इंटर्नशिप मैंडेटरी है ना यहाँ? जी जी, इंटर्नशिप करना मैंडेटरी है, अभी तक भी यूनिवर्सिटी में सारे 100% पेड इंटर्नशिप सबको मिला, पेड मिला हुआ है। आपको भी पता है आपके बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे, इंटर्नशिप मैंडेटरी तो बहुत सारे कॉलेजेस में है ना नाम की ने, चूंकि वो कोर्स करिकुलम का ही पार्ट है, लेकिन होता क्या है इंटर्नशिप करनी है, कोई जुगाड़ लगाया, इंटर्नशिप लेटर निकलवा लिया, अब उसको सबमिट कर दिया, तो इंटर्नशिप मेरे अकॉर्डिंग जो इंटर्नशिप देने का या उसको मेजर करने का सही तरीका है वो ये कि गोल डिफाइन कर लो कि इस इंटर्नशिप से लर्निंग आउटकम क्या होने वाले हैं, है ना, ताकि उसको ट्रैक भी किया जा सके, जस्ट फॉर द सेक ऑफ सेइंग आपने इंटर्नशिप ना किया हो। तो यहाँ इंटर्नशिप किस तरीके से, एक तो आपको इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटीज कैसे, मतलब क्या ग्रुप्स क्रिएट किए हुए हैं या मेल्स के थ्रू आती है, कैसे आपको पता कैसे चलता है कि ये इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं आप तक? आउटलुक पे हमारे ग्रुप्स क्रिएटेड है बैच वाइज, तो वहाँ पे हम आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाती है, इसके लिए वी हैव तेजस सर, ही डील्स विद दिस, तो ही इन्फॉर्म्स स्टूडेंट व्हिच कंपनी इज कमिंग और फॉर व्हिच स्पेशलाइजेशन आर कंपनीज कमिंग, देयर इज अ प्रॉपर प्लेसमेंट कमिटी। कितना क्लोज काम करती है प्लेसमेंट कमेटी आपके साथ? बहुत अच्छे से, बहुत क्लोज, इनफैक्ट फ्यू ऑफ देम। अच्छा, मैंने एक कांसेप्ट देखा, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, आईआईएम्स में जो मैंने देखा ऑब्जर्व किया कि जो प्लेसमेंट कमेटी बनती है वो स्टूडेंट के बीच से ही एक कमेटी बनती है, तो यहाँ किस तरीके से डिजाइन किया गया? अभी हम फ्रेशर्स हैं, रिसेंटली फिल्ड फॉर्म होता है वो हमारे स्टूडेंट्स के, कंपनीज को आउटरीच करना है ना, उनको इनवाइट करना, स्टूडेंट्स के डाटा रखना और वो कौन क्या क्या एक्सपीरियंस है उसको ये करके जो स्टूडेंट डिपॉजिटरी बनता है उसका ख्याल हम स्टूडेंट्स रखते हैं, और बाकी सब ये सब ना टीचर्स के गाइडेंस में होता है, पूरा प्लेसमेंट कमेटी है इसके लिए।
तो कमेटी किस तरीके से ग्रूम करती है जरा उस पे बताओ। सबसे आप ना कोई भी कॉलेज देखो ना, मेरा तो ऐसा कोई पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है, कोई भी आपको पास बैठ के कोई टीचर आपके लिए डेडिकेटेड टीचर आपके रिज्यूम बनाने में आपको हेल्प करेगा ऐसा होता ही नहीं। स्पून फीडिंग नहीं होगा ये तो मान के चलो, लेकिन इधर होता है कि आप बिल्कुल स्पून फीड करा जाए। नहीं नहीं नहीं, मतलब ये मैसेज ये है ना स्टूडेंट्स के लिए, आप एमबीए करने जा रहे हो ना, स्पून फीडिंग वाली आदत को आपको छोड़ना पड़ेगा ना, तो स्पून फीडिंग बिल्कुल नहीं मिलेगा। हाँ, क्लोजली काम करेंगे जो फैकल्टीज मेंबर है और जो इंटर्नशिप जो प्लेसमेंट सेल है वो आपके काफी क्लोजली काम करेंगे। कैसे क्लोजली काम करता है ये आप लोग बताइए। जैसे मैं अपना एग्जांपल ले लेती हूँ, लाइव एग्जांपल, हमारा इंटर्नशिप के लिए आया एचआर वालों का, 21 स्टूडेंट्स है, वी वर टोल्ड टू क्रिएट रिज्यूमेस, हमें एक फॉर्मेट दिया गया था दैट इज ग्लोबली एक्सेप्टेड। अब आप उसमें रिज्यूमे अपना बनाओ, आप कहीं अटक रहे हो, दे जस्ट मेड श्योर दैट ऑल द रिज्यूमेस आर अप टू डेट, वी हैड टू आउटलुक पे हमको अपलोड करना था, सर वेंट थ्रू ऑल द रिज्यूमेस, फिर उनको लगा कहीं एडिट करना है, कुछ ठीक करना है, ही टोल्ड अस कि इसको ऐसे यहाँ से ठीक करो ठीक करो, विद देन इज लाइक ही इज अवेलेबल एवरी टाइम व्हेन एवर यू नीड हिम। इस तरीके से हमारी फैकल्टी हमारे साथ काम करती है। फीडिंग वाला कॉन्सेप्ट इज डिफरेंट बिकॉज़ फीडिंग इज ऑब्वियसली नॉट गोइंग टू हैपन एट ऑल। हां, फीड अगर कराया जाए तो फिर ग्रो कब जाती है। लेकिन वो भी अच्छा लगता है ना, आप जब रिज्यूमे बनाते हैं आपके पास कोई डेडिकेटेड टीचर आपको बताते हैं कि इसमें क्या है ना, क्योंकि आपको नहीं पता है ना, तो वो एक सपोर्ट सिस्टम हो गया जो कि रिक्वायर्ड है। बट स्पून फीडिंग मतलब आप अपना रिज्यूम ना बनाओ, आपके बिहाफ पे ग्रो करेक्टेड, वो भी वो करेक्ट नहीं करेंगे, वो हमें कहेंगे मास्टर क्लास होता है उसमें बोलते हैं कि ATS फैमिली प्रेसिडेंट बना सकते हैं, लेकिन फिर भी डाउट्स रहते हैं कि काफी सारे बच्चे फ्रेशर्स होते हैं, कभी बनाए नहीं होते हैं, उनके एक्सपीरियंस नहीं होते, तो उसमें अगर हेल्प मिल जाता है ना तो काफी कुछ बढ़िया रिज्यूम बन जाता है। इवन दे हेल्प अस टू जनरेट द लिंक्डइन अकाउंट आल्सो देयर। या अच्छा, टू यूज इट हाउ टू ऑप्टिमाइज। वी हैड अ स्पेशल लेक्चर फॉर लेक्चर ऑन दैट। अच्छा ओके, मतलब लिंक्डइन के ऊपर पूरा, क्योंकि लिंक्डइन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना। अभी पास आउट हो गए तो आपको जॉब मिल जाएगा, लेकिन फ्यूचर करियर प्रोसेस में भी लिंक्डइन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो उसके ऊपर भी अगर आप देखेंगे ये हमारे काफी स्टूडेंट्स जो हैं बेक स्टूडेंट्स, उनके लिंक्डइन प्रोफाइल काफी ऑप्टिमाइज्ड है। या पूरा ऑप्टिमाइज्ड है, जैसे कि वो रेगुलर पोस्ट करते हैं और कैसे आप रिक्रूटर्स को आप अट्रैक्ट कर सकते हो, अप्रोच कर सकते हो, ये सब कुछ सिखाया जाता है। तो अगर आप मेरा भी लिंक्डइन अकाउंट देखेंगे तो प्रोफेशनल है, काफी ऑप्टिमाइज्ड है, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि किस लेवल पे ये लिंक्डइन का ट्रेनिंग देता है। वन ऑफ द डिफरेंस आई फील इज हमारी हर संडे को करियर प्लानिंग पे क्लासेस होते हैं। बस संडे को और क्या होता है उसमें? करियर प्लानिंग का सर स्टार्टेड विद बेसिक नॉलेज कि आपको प्रेजेंटेशंस कैसे बनाना। प्रेजेंटेशन वाज आल्सो अ पार्ट एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ही मेड अस लर्न व्हाट वी आर in ourself, मतलब हमारी personality, we give different personality tests, कि what kind of a personality we मतलब scientific approach ही आता है वहाँ पे, some are optimistic, हर चीज को लेके हमें बताया गया कि एक दिन हमें finance पढ़ाया गया, एक दिन हमें HR के बारे में बताया गया कि कैसे, now we have to present a presentation related to our career plan, what is our career goal, जैसे कि काफी अभी तो काफी चल रहा है कि आप ना जो पहले चल रहा था उसी राह में चल रहे हैं, लेकिन बाद में आपको पता चलता है कि मेरे को ये नहीं करना था। साइकोलॉजिकल एनालिसिस किया पहले आपका, एक साइंटिफिक अप्रोच के साथ, एंड देन फिर आपकी करियर प्लानिंग स्टार्ट किया, स्टार्ट प्लान करना है ना। उन्हें उन्होंने हमें नॉलेज दी हर फील्ड की, HR हो, फाइनेंस हो, मार्केटिंग हो, बिजनेस एनालिटिक्स हो, देन दे टोल्ड नाउ यू चूज कि आपको क्या लगता है किस में है, नाउ वी नीड टू प्रेजेंट आर करियर प्लान, जो हमें लगता है कि हमारी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या है, या हम किस फील्ड में जा सकते हैं, या हम अपने को आज से 5 साल बाद कहाँ किस पोजिशन पे देखते हैं। तो ये चीजें कहीं ना कहीं हमको तैयार भी करती है और कॉन्फिडेंस बिल्ड करती है कि ओके, सोचने पर मजबूर करती है कि यार अगर हम 5 साल बाद यहाँ देख रहे हैं तो वी नीड टू वर्क दैट हार्ड फॉर। ये इनिशिएटिव मुझे बहुत अच्छा लगा। देखो इम्पोर्टेंट ये है ना कि पहले आप अवेयरनेस ले लो कि ये 10 और ऑप्शंस हैं, उसके बाद आप चुनो। अब लेट्स से आपको 3 ही ऑप्शंस के बारे में पता है, तो अब पता ही नहीं है कि 7 और ऑप्शन एग्जैक्ट कर लें, तो फिर आप डिसीजन सही नहीं ले पाओगे। वही कोशिश हमारी भी है। ऐसा नहीं कि केवल बैंगलोर में और पुणे में ही अच्छे कॉलेजेस हैं, ऐसे कॉलेजेस भी इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं जिनमें आप पढ़ के अच्छा आउटकम निकाल सकते हो, है ना। तो जब तक आपके अंदर अवेयरनेस नहीं होगी कि और क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तब तक आप इन्फॉर्म डिसीजन नहीं ले पाओगे। तो इस पूरे जो सीरीज हमने स्टार्ट किया उसके पीछे थॉट प्रोसेस ही है कि ऐसे इंस्टीट्यूशंस और हम ढूंढ के निकाले जिनके बारे में भी स्टूडेंट्स के बीच में बहुत अवेयरनेस
नहीं है, अवेयरनेस आएगा जब आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होंगे तो आप बैठ के डिसाइड कर पाओगे। ऐसा नहीं कि चार ही ऑप्शंस हैं उनमें से आप डिसाइड करो, तो ऑब्वियसली उन चार में से ही आपको चुनना पड़ेगा। सेम यहाँ पे अप्लाई होता है ना, आपको 10 करियर ऑप्शंस पता है तो आप 10 में से डिसाइड कर पाओगे। हो सकता है आपका इंटरेस्ट किसी पांचवें में हो, लेकिन आप जानते हैं तीन बारे में ही होता है ना, तो अवेयरनेस पहले क्रिएट की एंड देन एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन करना चाहता हूँ। जैसे कि पहले आप अगर अभी YouTube देखेंगे या देखेंगे तो पता चल जाएगा डाटा एनालिटिक्स में काफ़ी फ्यूचर है, काफ़ी पैसा है, तो उसी चक्कर में मैंने डाटा एनालिटिक्स ले लिया, ठीक है। लेकिन बाद में आई थॉट कि मेरे जब मैंने ये करियर प्लानिंग के सेशंस लिए तो मेरे को लगा कि उसमें ना जो क्रिएटिविटी और जो ये चाहिए, जो स्किल्स चाहिए वो मेरे पे नहीं है। मेरे पे जो स्किल्स है वो मार्केटिंग के लिए सही है, डेटा क्रंचिंग उसमें चाहिए होता है, डेटा के साथ बहुत कंफर्टेबल वो चाहिए होता है। तो आपको समझ में आ गया कि नहीं मैं मेरा एक्सपर्टीज या मेरा फोर्टे वो नहीं है या मेरा इंटरनल इंटरेस्ट उसमें नहीं है ना, ठीक है। तब पता चल जाता है कि हर फील्ड में आप एक्सेल कर सकते हो अगर आपका मन है करने का, तो वो जो पैसन फाइंड करने में ना ये करियर प्लानिंग जो सेशंस होते हैं, इकिगाई आपका एक मेथड हो गया, काफी सारे मेथड्स होते हैं, उससे आप ट्राइड एंड टेस्टेड है इकिगाई वाला फाइंड आउट करते हैं कि आप क्या करना चाहिए, आपको क्या भाता है, मार्केट क्या आपको डिमांड कर रहा है और उसमें कितना पैसा है, ये सब डिसाइड करने के बाद आप उसी लाइन पे आपके करियर बनाओ। सो यू कैन डिलीवर 100% ऑफ योर्स। और अपार्ट फ्रॉम नॉट ओनली सब्जेक्ट्स, वी हैव अ सब्जेक्ट कॉल्ड बिजनेस कम्युनिकेशन, एंड वी डोंट डू थ्योरी इन दैट। यस वी आर टॉट थ्योरी, बट इन दैट वी आर टॉट हाउ टू communicate in a professional, as a professional. That is the best. मतलब ये soft skill का part है ना? Soft skill. जिससे बहुत emphasize किया जाना चाहिए. दूसरे इंस्टीट्यूट में they give us roles like CEO. You are a group, you are the CEO of your company. कोई आपका manager है, आपको एक speech दी जाती है कि ठीक है you divide this. अगर आपका company इधर है, कोई ये हो जाता है, public को नुकसान होता है, तो आप so how you deal with this? Release कैसे? Press release क्या बोलोगे? क्या आपका स्टेप्स रहेगा? ये तभी पॉसिबल है ना, जो मैं समझ पा रहा हूँ, मतलब आप लोग जो बता रहे हो ये सारी चीजें तभी पॉसिबल है ना जब एक्चुअल में जो आपको पढ़ा रहा है ना उसने ये सारी चीजें फेस की होगी। अदरवाइज अगर उसको आइडिया ही नहीं है ना कि ये सारे क्राइसिस हो सकते हैं, क्राइसिस मैनेजमेंट का पार्ट है ना, तो ये सारी चीजें आप तभी कोर्स करिकुलम का पार्ट बना सकते हो जब आपने खुद वो सारी चीजें देखी हुई हो। तो यहाँ पे वीसी सर का जो रोल है और जो उनका एक्सपीरियंस है वो काम में आता है, और जो बाकी आपने बताई फैकल्टीज जिन्होंने कॉर्पोरेट में काम किया हुआ है उनका एक्सपीरियंस यहाँ पे प्ले में आ जाता है ना, ठीक है। इसके अलावा और क्या इनिशिएटिव्स हैं? जैसे कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट, सॉफ्ट स्किल्स भी एक बार कवर कर दो। सॉफ्ट स्किल्स में क्या पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए स्प्रिंट में तो काफी सारे ट्रेनिंग दिए जाते हैं, और आपके जो टॉप लीडर्स होते हैं जो उसी फील्ड से, उनको गेस्ट सेशंस, उनसे हम गेस्ट सेशंस करवाते हैं, तो उससे काफी कुछ सीखने को मिलता है, ठीक है। और आपका जो प्रैक्टिकल सेशंस भी होता है कि जैसे कि आपका पर्सनल स्पीच प्रोग्राम्स, क्विज प्रोग्राम्स, ये सारे से जैसे वी हैव अ सब्जेक्ट ग्लोबल डिप्लोमेसी, अब हमें पढ़ाने आते हैं हमारे एम्बेसडर संजीव अरोरा, ही इज अ रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर, ही टेक्स आवर लेक्चर्स ऑन दैट। मतलब ऐसे ऐसे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं तो एज अ गेस्ट लेक्चर वो आते हैं, जो डोमेन एक्सपर्ट है वही वो एग्जैक्टली हमको वही पढ़ा रहे हैं। ऐसा मिक्स मैच नहीं है कि अच्छा ये है तो ऐसा करो, जो उसमें काम किया है सो ही कम्स एंड डिलीवर्स अस लेक्चर्स फॉर दैट। मुझे नहीं पता कितनी और इंस्टीट्यूशंस ऐसा काम करती होगी कि आपको ऑफिसर को बुला एग्जैक्टली और ये चीजें पढ़ा रही हूँ, तो ये मतलब क्लियर और विजिबल डिफरेंस दिख रहा है, ठीक है। 70% तो मैं कन्विंस हूँ कि एडमिशन मुझे ले लेना चाहिए। आपको नर्वसनेस अपने फेस पे नहीं दिखाया है, that kind of experience जो कि freshers को चाहिए होता है। चाहिए होता। और मेरे को नहीं लगता कोई university इतने जल्दी आपको इतनी बड़ी celebrities के पास सीधा आपको भेज देगी, go and talk to them। और ये नहीं, sprint में it was not all about education, we had Swapnil Tiwari known as the madman, he gave a sprint to motivate, just session was only focused on motivation, that how do you motivate yourself। Vivek Atre sir, IAS official। अब एक बात बताओ मुझे आप, ठीक है चलो इतनी सारी चीजें तो आपने बता दी, इतनी सारी अच्छा नहीं आया, क्वेश्चन मेरे दिमाग में ये आता है कि ठीक है यार वादियों के बीच में ये कैंपस है, कैंपस का लोकेशन बहुत अच्छा है, मैंने कैंपस विजिट किया, मुझे कैंपस बहुत अच्छा लगा, ठीक है। बट दूसरा सवाल मेरे दिमाग में जो अचानक से आ जाएगा ना वो ये आएगा कि आसपास कॉर्पोरेट्स नहीं है, और जब एमबीए पीजीएम की बात आती है तो ये आता है पहला लोकेशन आता है बैंगलोर, क्योंकि वहां कॉर्पोरेट है ना, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया है, दूसरा पुणे है ना, तीसरा मुंबई, फिर दिल्ली, ये सीक्वेंस हर किसी के लिए अलग अलग हो सकता है। तो फिर आप मुझे कुछ सॉलिड रीजंस दो
कि मैं शूलनी को कंसिडर करूं, मैं क्यों उन लोकेशंस को छोड़ दूं और मैं यहां एडमिशन लूं। मुझे कन्विंस आप तभी कर सकते हो जब आप मेरे लिए कुछ ऐसे कॉन्क्रीट डिसाइडिंग फैक्टर्स बता पाओ। आउटस्कर्ट्स में, आउटस्कर्ट्स कहना सही नहीं होगा क्योंकि जब हम लोग आ रहे थे तो चंडीगढ़ से हमें 2 घंटे लगे आने में, है ना। बट आप मुझे कुछ सॉलिड रीजंस दो कि जब एक कंपनी आती है ना कैंपस को विजिट करती है तो वो ये उसके लिए बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर होता है लोकेशन, है ना। टीयर 1 टीयर 2 करके सिटीज को डिवाइड किया होता है कंपनीज ने, तो यहाँ पे कौन कौन सी कंपनीज आती है जरा मुझे ये बताओ ताकि मैं अब सॉलिड कॉन्क्रीट माइंड बनाने की तरफ बढ़ पाऊँ। कौन कौन सी कंपनीज आपके यहाँ पे आती है? यहाँ पे डेलॉयट आई थी की प्लेसमेंट के लिए, टाटा ग्रुप आई थी प्लेसमेंट के लिए, आदित्य बिरला ग्रुप आई थी, अभी केपीएमजी आई थी, हिंदुस्तान यूनिलीवर आई थी जो लास्ट ईयर आई थी। ये बड़ी बड़ी कंपनीज आती है। इसके साथ साथ जो दूसरी कंपनीज है वो भी आती है यहाँ पे प्लेस, लाइक यू हैव HDFC, ICICI बैंक। सो बैंक्स में यू हैव ऑलमोस्ट एवरी कंपनी, लाइक स्टूडेंट्स के पास वैरायटीज होता है स्पेशली व्हेन इट कम्स टू बैंकिंग। MBA स्टूडेंट्स का जो ड्रीम कंपनीज होते हैं काफी, मोस्ट ऑफ द कंपनीज कम टू दिस आ जाती है। ठीक है, मैं एक बार को लोकेशन को कंसिडर करना चाहूँगा तो उसका इम्पैक्ट मेरे आउटकम पे नहीं पड़ेगा, है ना। कंपनीज यहाँ आ रही है, अगर मैं एफर्ट्स दूंगा तो हो सकता है कि मतलब लोकेशन का डिसएडवांटेज नहीं मिलेगा, ये एक एडवांटेज हो सकता है मेरे लिए कि मैं शांत जगह पे रह रहा हूँ। ठीक है, आप मुझे बिल्कुल, मैं नाइव हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता, मुझे उस वाले एस्पेक्ट से उस एंगल से समझाना। अब दूसरी चीज़ मेरे लिए ये आएगी कि ठीक है कंपनीज आ रही है ना, बट जब कंपनीज प्लेसमेंट के लिए आती हैं तो प्लेसमेंट के लिए पहली चीज़ तो मुझे ये समझाओ, मेरा डर वही वाला मेरे दिमाग में बैठा हुआ है कि यार रोल वही मिलता है एंट्री लेवल वाले, है ना। तो मुझे ये समझाओ, इतनी सारी अच्छी चीज़ें करते हैं, स्प्रिंट करा दिया, फैकल्टी स्टॉप नॉच है, करिकुलम बहुत बढ़िया है आपका, इंडस्ट्री लीडर से बुला के आपने मुझे पढ़ाई करा दी मेरी, अब मुझे आउटकम क्या मिलेगा यहाँ से पढ़ने का? चूंकि मैंने अपना टाइम दिया, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थी, मैं कहीं काम कर सकता था, है ना, तो इतना सब कुछ इन्वेस्ट किया मैंने, तो अब रिटर्न क्या मिलेगा इसके बदले मुझे? तो मुझे आप हाईएस्ट प्लेसमेंट बताओ अपने ऑर्गेनाइजेशन का, मीडियम प्लेसमेंट बताओ, और उसके साथ साथ मुझे आप मिनिमम प्लेसमेंट भी बता दो कि मैं क्या एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, प्लस मुझे ये भी समझाओ कि प्रोफाइल क्या ऑफर होगा। प्लेसमेंट की बात करते हैं तो अभी तक आप जो देखेंगे प्रीवियस रिक्वेस्ट तो 100% प्लेसमेंट हुआ है, काफी अच्छे हुआ है। तो बताने के लिए सारे कॉलेज यही 100% तो मेरे एक हाँ, तो मैं अगर एडमिशन होगा तो फिर आपको ही पकड़ूंगा, तो कि भाई कि आपने मेरा एक दोस्त भी फोन किया था कि मैं आ जाऊँ, मैंने बोला हाँ ये 100% प्लेसमेंट करवा देते हैं। अच्छा, आप अगर कम से कम आपका 6-7 लाख में तो ये बहुत ज्यादा तेजी से ग्रो करना है प्रीवियस रिकॉर्ड से, तो ऐसा होता है ना कि अगर आप में उतना टैलेंट आप डेवलप कर सकते हो आपको एक फायदा मिलता है कि इधर काफी सारे इंडस्ट्रियलिस्ट ये होता है उनका नेटवर्क यूज करके आप अच्छे जगह प्लेस हो सकते हो अगर आप वो स्किल्स अचीव कर सकते हो। 18 लाख कहाँ मिला था, कौन सी कंपनी में था? टाटा AIA सर, टाटा AIA में था 18 लाख रुपये। ठीक है, बड़ा अमाउंट, ओवरऑल क्या इन्वेस्टमेंट जाएगा मेरा? आपका अभी जो फीस है वो तो 6 लाख, अराउंड 6 लाख है। रेसिडेंशियल प्रोग्राम है ना, भी क्या बनेगा मेरा? अराउंड 8 लाख, 8 to 9। और हॉस्टल का टाइप होता है ना, उसमें डिपेंड करता है आप कौन सा हॉस्टल। तो मतलब मैं रफली मान के चलूँ तो 9 से 10 लाख रुपए में इन्वेस्ट होगा, है ना। ठीक है, अब मुझे ये दिख रहा है कि ठीक है अभी का ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि 18 लाख रुपए हाईएस्ट मेरे लिए वो एक है, इसका मतलब मैं उसको सरपास कर सकता हूँ। ठीक है, 18 लाख तो मिल रहा है। अब मुझे बता दो जरा सेफर साइड पर रहने के लिए कि एवरेज क्या मिल सकता है मुझे, या मुझे मीडियम बता दो। मीडियम मतलब आधा 50% को कितना मिलता है और बाकी वो को कितना मिलता है? मीडियम जाता है 10 to 11 लाख जाता है। यस, 11 लाख मिल जाएगा, 11-12 लाख मिल जाएगा, और आपका एवरेज 8 लाख, 8 लाख रुपए, 7 to 8 है। हमने खुद देखा है हमारे सीनियर्स का प्लेसमेंट, अभी अभी तो प्लेसमेंट हुआ। अच्छा, मतलब 100% ROI में निकाल सकता हूँ। ठीक है, पक्का है ना? लेकिन आप सिडनी यूनिवर्सिटी में भी अच्छे पैकेज में रह सकते हो, इसमें ये आप यहाँ पे भी पोजीशन, ये मौका मिले तो मैं कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ का मतलब एनवायरमेंट तो मुझे, मतलब मुझे तो भाग गया। देखो मैं बचता हूँ, मेरा जो अप्रोच होता है किसी भी कॉलेज को इवैल्यूएट करने का वो मैं क्रिटिकल होता हूँ, तभी जाके एक सही इन्फॉर्मेशन निकल पाती है ना। क्योंकि मैं अगर फैन बॉय की तरह वहाँ पे बैठ के बताने लगूँ कि हाँ जैसे बाकी रिव्यूअर्स करते हैं हाँ कितना अच्छा ये है कितना अच्छा हुआ, तो फिर वो रियलिटी नहीं आ पाती है ना। तो मेरा अप्रोच होता है मैं बैलेंस होता हूँ बट क्रिटिकल अप्रोच लेके चलता हूँ मैं, ताकि एक स्टूडेंट इन्फॉर्म डिसीजन ले पाए। आप तो खुद कैंपस में तो आपको फील हो रहा है, मतलब कैंपस पे तो मैं फिदा भाई, तो मेरे पास कम पड़ रही
ये वर्ड्स इस कैंपस की खूबसूरती को बयान करने के लिए, कैंपस तो मैं बिल्कुल फिदा हूँ, मतलब मुझे मौका मिले तो मैं यहाँ जाऊँ ही ना, मतलब अपने का प्रोग्राम में क्या वीसी सर से बात कर अब यहाँ स्टे भी कर सकते हैं, सच में योगानंदा में स्टे कर सकते हैं ना, काफी कम है दूसरे के अगर कंपेयर करेंगे तो वो फीस भी काफी कम है। तो आपने बताया प्लेसमेंट्स का, अब मुझे क्वालिटी मतलब प्लेसमेंट मुझे तो मेरा कंसर्न ये होगा ना कि मुझे एंट्री लेवल जॉब ना मिले। डायरेक्ट डायरेक्ट बताता हूँ, जैसे कि आपको लगता है कि सेल्स जॉब मिलेगा और काफी सारे एंट्री लेवल जॉब, ऐसा नहीं, टैबलेट नहीं बेचना होगा ना मुझे, क्रेडिट कार्ड बेचना नहीं होता है, नहीं बेचना होगा ना मुझे। तो जैसे कि आपने देखोगे कि अभी हमारे जो सीनियर्स प्लेसमेंट हुए हैं कोई डाटा एनालिस्ट उनमें प्लेस्ड हुए हैं, और आपके ये जो है ये ऑपरेशंस में प्लेस्ड हुए हैं जो 18 लाख है ऑपरेशंस में प्लेसमेंट हुआ है, मतलब मिड सेगमेंट में प्लेस करा दोगे मुझे, है ना। अच्छा मैं रिसर्च भी कर रहा था थोड़ा बहुत, मैं देख रहा था आने से पहले तो कुछ अमेरिकन मतलब जो एमएनसीज है उसमें भी प्लेसमेंट हुआ है, तो क्या ये दिखाने वाला तो नहीं है सीन कि जैसे बाकी कॉलेजेस केवल ब्रोशर पे डालने के लिए डाल देते हैं, आप लोगों को पता होगा रियलिटी बैंक ऑफ अमेरिका या कुछ एमएनसीज में भी प्लेसमेंट हुआ है, मैं देख रहा था तो रियलिटी में प्लेसमेंट मिल रहा है बच्चों को। लास्ट टू लास्ट ईयर हमारे सीनियर थे जिनके प्लेसमेंट शिकिंग टू कॉर्नर द कन्वोकेशन हो गया, देयरफॉर गॉट, मतलब अपनी लर्निंग शेयर करते हैं। अच्छा ठीक है, तो मतलब मुझे क्वालिटी प्लेसमेंट आप अश्योर कर रहे हो। यस, और सबसे बेस्ट थिंग है कि अभी इस साल से ग्लोबल इंटर्नशिप्स आप कर सकते हो, और होता ही मतलब आप बाहर जाके ग्लोबल कंपनी टू इज द स्टूडेंट, अच्छा मतलब इंडिया से बाहर भी इंटर्नशिप कर सकते हो, और इसका खर्चा कौन उठाएगा, इसका खर्चा कौन उठाएगा, ये शायद आपके फीस के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, शायद हमारे लिए इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन नेक्स्ट बैच जो आप ये रोल ऑफ होने वाला है हो सकता है, ठीक है एक्सपोजर मिल जाएगा। इस साल भी हमारे जो सीनियर्स हैं वो एक्सचेंज प्रोग्राम में इंडोनेशिया और अदर कंट्रीज में भी गए, अभी उनका इंटर्नशिप चल रहा है। अच्छा ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, एलुमनाइज का बहुत बड़ा रोल होता है ना, क्योंकि वो कैसा परफॉर्म कर रही जहाँ भी उनका प्लेसमेंट हुआ, एक परसेप्शन बनता है किसी कॉलेज के बारे में, आपको प्लेसमेंट करा दिया गया बट आप जाके वहाँ परफॉर्म नहीं कर रहे हो तो फिर एक नेगेटिव इमेज बनती है, तो एलुमनाइज का कितना मतलब क्या इन्होंने कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाया हुआ फ्यूरनी वालों ने कि जो एलुमनाइज हैं इनके उनसे आपका इंटरेक्शन टाइम टू टाइम कराया जाता रहे, यंग यूनिवर्सिटी आप देखेंगे इतना साल भी नहीं हुआ है यूनिवर्सिटी को, फिर भी काफी अच्छे उनके एलुमनाई हैं, तो उनसे गेस्ट सेशंस करवाते हैं, जैसे कि हमारे साथ एक सेशन हुआ था, हमारे वो क्या कंपनी था मेरे को याद नहीं है, लेकिन अच्छा कंपनी था, उनमें अच्छे पोजीशन में एक मैम थे, वो खुद आके हमें उनके जो संडेज होते हैं जो संडे उसमें हमें वो खुद ट्रेनिंग दे रहे थे। अच्छा मतलब एलुमनाइज से कनेक्ट, आप कुछ ऐड करोगे इसमें एलुमनाइज वाले रोल पे, मतलब एक इन्होंने जेपैक का बता दिया, एक ही तो एलुमनाइज वो भी नहीं ना, और भी लोग होंगे, तो ऐसा कुछ था सेशन वगैरह कोई था? अभी तक तो नहीं हुआ वैसा सेशन, बट वो ये कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे एलुमनाइज है वो वर्क करते हैं, नहीं तो आईसीएसई हर साल नहीं आता शुरू यूनिवर्सिटी, या जो टाटा जैसी कंपनीज है ये हर साल नहीं आती शुरू यूनिवर्सिटी प्लेसमेंट देने के लिए। ये चीज में समझ गया, चलो काम कर रहे हैं वो लोग, अच्छा कर रहे हैं तभी आ रहे हैं, बट मेरा ये मानना है कि एक बार ना अगर आप जो लोग ऑलरेडी प्लेस्ड हैं उनसे भी जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं उनको कनेक्ट कराते रहना चाहिए टाइम टू टाइम, क्योंकि वो अपना लर्निंग जो है वो शेयर करते रहते हैं स्टूडेंट्स के साथ, तो उससे मतलब जो ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज है वो अच्छी मिलती रहती है। तो मेरा एक फीडबैक होगा कि अगर ऐसा नहीं है, अगर फ्रीक्वेंट इंटरेक्शन नहीं है, तो ये प्लान करना चाहिए शोरिनी को कि जो एलुमनाइज कनेक्ट हैं वो फ्रीक्वेंट बेसिस पर उनको कराने चाहिए, ठीक है। अच्छा इसके बाद आते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो इकोनॉमिक बैकग्राउंड उनका बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होता है ना, मेरिटोरियस है, तो मैं समझता ही चाह रहा हूँ कि स्कॉलरशिप की भी अपॉर्चुनिटीज है यहाँ पे, किस तरीके से मैं ले सकता हूँ वो जरा मुझे बता दो। डिफरेंट क्राइटेरिया होता है स्कॉलरशिप के लिए, अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है या फिर आपके अच्छे स्कोर किए अपने ग्रेजुएशन में, या फिर आपने अच्छा इंटरेस्ट जैसे कि कैट वगैरह उसमें, अगर आप स्पेशल ये के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। अच्छा तो डिफरेंट क्राइटेरिया है आपको अपने सर्टिफिकेट्स वगैरह प्रोवाइड करने पड़ेंगे, इफ यू आर नाइस आपको काफी सारा अपॉर्चुनिटी मिलता है, मतलब स्कॉलरशिप्स मिलते हैं यार, कुल मिलाकर मैं समझ रहा हूं, ठीक अगर मैं डिजर्विंग हूं तो आपको फीस में कंसेशन मिलता है, आर्मी आप आपके पेरेंट्स आर्मी में शो स्टैंड कंसेशन आपको मिलता है। अच्छा सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए आपको कंसेशन, तो अप टू 30% तक स्कॉलर्स मिल जाता है, इवन 50% भी है और 100% भी है, क्राइटेरिया है उसको आप अगर फिर करना होता है, ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन का, है ना, तो उसमें शोलिनी ने क्या किया हुआ है, किस तरीके के इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन है शोलिनी के ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, क्या इनके टाई अप्स हैं, मैं देख रहा था नीचे लैब दिखा मुझे इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन का, मतलब इसके साथ मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि जो इंडस्ट्री और एकेडमिया का गैप है उस शोलिनी ने कैसे ब्रिज किया हुआ है।
जैसे कि हम क्यूबोटा आपने सुना होगा जो कि ट्रैक्टर्स बनाते हैं जो उनके साथ हमारे जो सीनियर्स थे तो उनको एक प्रोजेक्ट मिला था कि डिजिटली वो ग्रो करना चाहते हैं इंडिया में, तो उनके ऊपर एक लाइव प्रोजेक्ट मिला था जिसमें हमारे सीनियर्स ने खुद जाके वो इंडस्ट्री में काम किए थे और उनको उसके लिए भी अप्रिशिएशन मिला था और सर्टिफिकेट वगैरह मिला था। तो ऐसा इंडस्ट्री के साथ जो आपके रिलेशन होता है इससे आपको लाइव प्रोजेक्ट में काम करने का ये होता है और आपको साइड करोगे क्या? बिल्कुल। और वो लोग जब वहाँ गए थे तो उन्होंने एक सर्वे भी किया था। अच्छा। कि सर्वे इस टाइप का था कि कौन कितना अगर डिजिटली है, अगर कोई गांव का बंदा लेगा तो वो कैसे ऑपरेट करेगा, कैसे नहीं करेगा, और किस लेवल पे वो खरीदना चाहेगा, कैसे नहीं करेगा। तो काफ़ी इंडस्ट्रियल उनके बाइंडअप्स हैं, इवन बहुत सारी यूनिवर्सिटीज से भी, अभी मेलबॉर्न यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबॉर्न है, काफ़ी यूनिवर्सिटीज से दे आर ट्राइंग टू जस्ट हैविंग एक्सचेंज प्रोग्राम सो दैट वी कैन गो देयर। ताइवान, वी हैव अ ताइवान एक्सचेंज प्रोग्राम आल्सो, देयर सो मेनी प्रोग्राम्स आर देयर। तो इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन भी आप बता रहे हो और प्लस एकेडमिक कोलैबोरेशन भी है, बहुत आ रहा है ना। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, जब मैं प्रीमियम इंस्टीट्यूशंस के स्टूडेंट्स से जब मैं बात कर रहा था, जैसे एसटी जैन में मुझे काफी अच्छा कॉन्सेप्ट देखने को मिला कि उन्होंने अपना जो करिकुलम डिजाइन किया है ना वो इस तरीके से डिजाइन किया है कि आप एक एसली कॉन्शियस मैनेजर बनकर निकलो जो भी स्टूडेंट वहां से पढ़ रहा है। ठीक है, उन्होंने क्या किया कि कोर्स करिकुलम को ऐसे इंटीग्रेट किया कि बच्चा जो है वो एनजीओस में भी इन्वॉल्व रहे, तो ऐसे कुछ इनिशिएटिव भी यहाँ लिए गए हैं ताकि सोशली कॉन्शियस मैनेजर भी बनकर यहाँ से स्टूडेंट निकल पाए। जैसे कि आपने ऊपर आए होंगे, वहाँ एक ब्लड डोनेशन के लिए आपका रजिस्ट्रेशन हो रहा था, तो उसमें हमारा जो यूनिवर्सिटी में एक आपके एनजीओ टाइप का ऑर्गेनाइजेशन है जिसको डीन ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर है, उसी के थ्रू हम हेडेड बाय पूनम नंदा, उसमें हम काफी मतलब एनजीओ टाइप जो काम होता है जो काफी सोशल है, हमारे टाई अप है जो कि युवराज सिंह जो कैडर है हिमाचल के साथ, उनका एनजीओ है। ठीक है, मतलब मेरा ये सवाल पूछने के पीछे रीजन ये होता है ना कि आज आप एक अच्छा मैनेजर तभी बन पाओगे जब आपके अंदर एम्पैथी हो, है ना। एम्पैथेटिक होना काफी इंपॉर्टेंट है, तो अगर आप करिकुलम का पार्ट बना देते हो या लर्निंग प्रोसेस में ही आपने उस तरीके से इंटीग्रेट कर रखा है, तो मैनेजरियल स्किल्स के साथ साथ आप सोशली कॉन्शियस मैनेजर बन के निकलते हो यहाँ से। जैसे कि पिंक अक्टूबर के एक यू होता, तो हम सब जाके जो हमारे फीमेल वर्कर्स हैं उनको समझाए कि ब्रेस्ट कैंसर क्या होता है, तो उनको हमने इनवाइट किया कि ब्रेस्ट स्क्रीनिंग करो, आपको अगर कैंसर होगा ब्रेस्ट कैंसर तो पता चल सकता है, तो ये स्किल्स भी बढ़ता है कि आप ऑफिस चिल्ड्रंस डे पे भी अभी गए थे, लोकल जो गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं वहां बच्चों के साथ स्पेंड करने और प्लांटेशन करने और ये डेवलप हो जाती है, इसको शूली फॉर्म करता है। अगर आज भी आप देखोगे तो हम ब्लड डोनेशन करने के लिए मोटिवेट कर रहे हैं आज स्टूडेंट्स को ताकि वो दिसंबर 1 में हो रहा है ब्लड डोनेशन का कुछ निकाल कर सके। और बेस्ट चीज एक ये है कि सिर्फ स्टडीज पे फोकस नहीं है, हमने अभी गणेश चतुर्थी का फंक्शन सिर्फ इनमें स्टूडेंट्स ने ऑर्गेनाइज किया था, इसको हमें एज अ टारगेट दिया गया था हमारे फाइनेंस प्रोफेसर से कि आपको मनी कलेक्ट करना है, खुद से आपको मनी कलेक्ट करना है, आपको पूरा 2 दिन का गणेश चतुर्थी का फंक्शन लाइक द टोटल आपका मार्केटिंग डिपार्टमेंट, मार्केटिंग फाइनेंस ऑपरेशन डिपार्टमेंट था, तो सबका जो रोल था ना अलग अलग, दैट वाज डिवाइडेड स्टूडेंट्स के बीच में। मैं जैसे कि मार्केटिंग में था तो हमें पोस्टर्स बनाना, ये सारा कुछ काम सब कुछ करना था, फाइनेंस वालों को मैनेज करना था, एक्सेल शीट बनाना था, कहां क्या गया, और ऑपरेशंस वी आर द ऑर्गेनाइजर, आप लोग ही ऑर्गेनाइजर। तो आपके अंदर वो एम्पैथी डेवलप हुई, मतलब आपको लगा कि हां ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि मैनेजर हो तो डंडा लेके ही काम कराना है आपको, है ना, एक दूसरा अप्रोच भी हो सकता है जहां आप पूरी टीम को साथ लेके चल सकते हो। बहुत टाइम्स ऐसा होता है कि कई बार सामने वाला बहुत रिजिड हो जाता है, आप उसको बता रहे हो, अब आप उससे लड़ नहीं सकते हो, तो आपको अपने आप को शांत करके काम माइंड से उसको बताना पड़ता है कि नहीं ये काम ऐसा होगा। तो ऐसे जो लाइव चीजें हम करते हैं, लाइव एक्सपीरियंस होता है हमारा, 2 दिन में जो हमने किया, मतलब पूरा ऑर्गेनाइज करना पूरा फंक्शन, इतने लोगों को कम से कम हमने दिन में कुछ नहीं तो 500 सर्विंग्स मोर देन 500। अभी भी हमारा प्लानिंग चल रहा है कि 7 लाख कलेक्ट करने का, कलेक्ट में हम हम लोगों को हमारे टीचर्स ही एक्चुअली मोटिवेट करते हैं इस चीज, यू नो वी हैव टू डू दिस, सो वी गेट क्वाइट मोटिवेटेड। हां, इवन उसके बाद फंक्शन के बाद वी वर टोल्ड कि नाउ क्रिएट एन एक्सेल और प्रेजेंटेशंस बनाओ कि क्या आपके लूपहोल्स थे, कि कहाँ आपने ज्यादा खर्चा कर दिया, कहाँ आप कम कर सकते थे, आपको कैसे कैसे करना है, तो ऐसे हम आपको सिखाया जाता है लाइफ चीज़। ऐसा एक्सपीरियंस जो पूजा होता है ना गणेश पूजा, ऐसा एक्सपीरियंस कभी यूनिवर्सिटी में नहीं होता, उनका जो आगमन हुआ जैसा हुआ था, विसर्जन जैसा हुआ, बहुत बढ़िया होता। ठीक है, अब आप मुझे एक बात बताओ, एडमिशन का प्रोसेस क्या है यहाँ पे, अगर मैं एडमिशन के लिए इंटरेस्टेड हूँ तो अब मुझे कैसे अप्रोच करना होगा कॉलेज को, किस तरीके से एडमिशन का पूरा प्रोसेस बनाया गया है ताकि नॉन सीरियस कैंडिडेट को भी फिल्टर आउट किया जा सके।
कुछ एंट्रेंस एग्जाम की भी रिक्वायरमेंट है, जैसे कि सुलीनी का खुद का एप्टीट्यूड टेस्ट है, एक टेस्ट मुझे देना होगा, मैं अप्लाई करना पड़ेगा, उसमें अगर आप क्वालीफाई करते हो, क्या ड्यूरेशन होता है वो टेस्ट का, उस टेस्ट का, उस टेस्ट का अराउंड 60 60 मिनट्स, किस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं उसमें, आप ये रीजनिंग के क्वेश्चंस है, इंग्लिश जर्नल नॉलेज, बहुत डिफिकल्ट होता है, मॉडरेट 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 ही होता है, जैसे कि कैट के लिए भी जैसे क्वेश्चंस आते हैं तो उस लेवल का नहीं होता है लेकिन मीडियम होता है. And then we have interview also. इंटरव्यू में वो लोग क्या समझना चाहते हैं कि स्टूडेंट के अंदर एक कैंडिडेट के अंदर वो लोग क्या इवैल्यूएट करना चाहते हैं या क्या देखना चाहते हैं, वो जब आपको पूछते हैं कि आप क्या चाहते हो, हमारे से क्या चाहते हो, अगर आपका माइंडसेट क्लियर है कि आप क्या चाहते हो, अगर स्टूडेंट के पास वो है आपको वो प्रोवाइड कर सकते हैं और आपका पास्ट रिकॉर्ड्स देखते हो ये सब मैच करता है तो वो कन्विंस हो जाते हैं आपको एडमिशन देने के लिए, और कि आप कितने कॉन्फिडेंट हो आंसर देते हुए, वो आपको क्वेश्चंस में ट्रिक कर देंगे, हाउ न्यूट्रल यू आर व्हेन यू गिव योर आंसर्स, मतलब ये सब जज करते हैं. तो मतलब जहां मैं समझ पाया, मुझे कोई एक एंट्रेंस एग्जाम देना होगा जो नेशनल लेवल का एंट्रेंस एग्जाम हो, दूसरा शुरू अपना एक टेस्ट भी कंडक्ट कराती है, अगर मेरा परफॉर्मेंस ठीक रहा स्कॉलरशिप के लिए बोल रहा था, तो अगर आप ये जो एप्टीट्यूड टेस्ट होता है उसमें अच्छा करते हो तो आपको अप टू 50% या अच्छा खासा स्कॉलरशिप मिल जाएगा. अच्छा, और तो बेस्ट क्राइटेरिया जो होता है ना 50% आपका ग्रेजुएशन में वो तो शायद मैक्सिमम चीजें हमने कवर कर ली है, दो चीजें बच रही हैं जिनको कवर करके रैप करते हैं, मुझे इम्पोर्टेंट था समझना है ना. ठीक है, एक बहुत बड़े माइंडसेट शिफ्ट की तरफ इंडिया बढ़ रहा है, पहले जहाँ हम जॉब सीकर वाली मेंटालिटी में थे अब हम जॉब क्रिएटर वाली मेंटालिटी की तरफ बढ़ रहे हैं ना, तो शूलिनी यूनिवर्सिटी यहाँ अगर किसी के पास कोई स्टार्टअप आइडिया हो तो किस तरीके से नर्चर करता है, पहले तो मुझे ये बताओ क्या कोई इंक्यूबेशन सेल है यहाँ पे जिसमें अगर मुझे फंडिंग की रिक्वायरमेंट होती है तो मुझे फंडिंग भी प्रोवाइड कराया जा सके, प्लस क्या कोई एंजल नेटवर्क से कनेक्ट कराने के लिए भी कुछ इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं, तो स्टार्टअप को लेके किस तरीके का सपोर्ट सिस्टम बना है जरा उस पे बताओ मुझे. इनफैक्ट इन द वेरी बिगिनिंग आई रिमेंबर स्प्रिंट प्रोग्राम के टाइम पे वी वर बीइंग टोल्ड कि अपना अपना बिजनेस आइडिया यू हैव टू प्रेजेंट, सो स्टूडेंट्स स्टार्टेड यू नो जस्ट गेटिंग इनटू द हाई कि हमको अपना बिजनेस आइडिया प्रेजेंट करना है. द वाइस चांसलर जो हमारे वाइस चांसलर ही हिमसेल्फ सेड अगर किसी का आइडिया अच्छा होगा सो दे आर गोइंग टू हेल्प अस इन दैट, दे इन्वेस्ट इन दैट, नॉट ओनली हेल्प अस बट दे इन्वेस्ट अगर उनको ऐसा लगता है कि वो आइडिया जेन्युइनली इट्स गोइंग टू वर्क. लाइव एग्जांपल इज चाय शैक. काफी कुछ सपोर्ट मिला था और उन्होंने पूरा जीरो से स्टार्ट किया था और अभी अच्छा खासा उनका अच्छा होगा की अच्छा लगेगा की वो एक सारे यूनिवर्सिटी खोलने के लिए उनका प्लान है. अच्छा हाँ, उनका चैन फ्रेंचाइज खोलने का अच्छा एक्सपेंशन का भी प्लान, जैसे कि इस यूनिवर्सिटी में काम है और भी यूनिवर्सिटी में खोलने का उनका, मतलब अगर मेरे पास कुछ स्टार्टअप आइडिया है तो यहाँ सुलिनी से मुझे सपोर्ट मिल सकते हैं फंडिंग वाइज. जैसे कि हमारे जो अतुल सर है वो खुद फाउंडर है Ado.ai, एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम का उसका फाउंडर है, को-फाउंडर. तो अगर आपके पास कोई अच्छा आइडिया है तो हमारे डीन सर ऑलवेज सपोर्ट करते हैं कि अगर आपके पास कोई अच्छा आइडिया है तो आप प्रेजेंट कर सकते हैं. तो यूनिवर्सिटी अतुल सर खुद पर्सनली इन्वेस्ट करने के लिए रेडी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. अगर आपके पास अच्छा आइडिया है दे आर रेडी टू इन्वेस्ट समवेयर. और इंक्यूबेशन का आपने जो बात किया तो इसके लिए इस साल आपका स्टार्टअप क्लब भी खुल रहा है और इंक्यूबेशन सेंटर भी खुल रहा है और एंजल इन्वेस्टर्स भी आने वाले हैं. ग्रेट, ठीक है. लास्ट सवाल मेरा, चलो पढ़ाई लिखाई बहुत हो गया, स्टार्टअप वाला भी मैंने कर लिया, अब मेरे 2 साल कैसे गुजरने वाले हैं यहाँ पे, मतलब कॉलेज लाइफ कैसे होने वाली है ये बता दो, फेस्ट वगैरह कितने होते हैं ये बता दो, यहाँ पे मतलब मुझे इन एंड आउट सब कुछ बता दो एक बार कॉलेज लाइफ के बारे में. अभी तो स्नोफॉल होने वाला, आपको पता नहीं चल रहा आपका, डिफरेंट डिफरेंट के डेफिनेटली डिफरेंट होते हैं, बट एक जो 2 बड़े इवेंट्स होते हैं मंचतंत्र और मोक्ष, इंटर डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिशन डिपार्टमेंट उसमें कम्पीट करता है एक दूसरे से, और वी हैव डिफरेंट लाइक फॉर डांस मॉडलिंग क्लासिकल डांसिंग डिफरेंट थिंग्स अलग अलग कम्पीट करते हैं. एंड देन मोक्ष वो सबसे बड़ा इवेंट है इस यूनिवर्सिटी का, उसमें बाहर से जो स्टार्स होते हैं पेरेंट्स होते हैं सेलिब्रिटीज है उनको इन्वाइट किया जाता है, वो भी एक पूरा ओवरऑल फंक्शन होता है डांस हो मॉडलिंग को सिंगिंग को इस कंपटीशन टाइप ही बोलेंगे उसको, दैट्स अ कंपटीशन बट एज वेल अ एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट कंप्लीटली. हां ठीक है, क्लब्स वगैरह कैसे हैं यहां पे, कितने क्लब्स हैं यहां पे? अभी तो काफी सारे क्लब्स हैं, जैसे कि अभी रिसेंटली हमारे मार्केटिंग क्लब, अगर आप सिर्फ एमबीए की बात कर रहे हो तो
मार्केटिंग क्लब, ठीक है, बिजनेस एनालिटिक्स क्लब, लीड डायनामिक्स क्लब इज ऑल्सो देयर, और मैंडेटरी इन पार्ट हो ना, मतलब ऐसा कुछ है कि मैंडेटरी या फ्लेक्सिबल है, अगर आपका स्पेशलाइजेशन है तो मैंडेटरी और उसके अलावा किसी और स्पेशलाइजेशन का क्लब भी ज्वाइन कर सकते हो अपनी स्किल्स के इंटरेस्टेड, एंड इट्स जस्ट नॉट फॉर एमबीए स्टूडेंट्स बट ऑल ओवर द यूनिवर्सिटी, सब एवर कोर्स टू ज्वाइन, ठीक है। अटेंडेंस का क्या सीन है यहाँ पे, मतलब हमारी शूली नहीं ऐप है, हम आपको अपनी अटेंडेंस उसमें सेलेक्ट होती है 75% क्या होते हैं, अगर मैंने डिटेन कर दिया तो देखिए ना, सिंपली आपके पास दो ऑप्शंस है, डीन्स लिस्ट, मतलब डीन साहब ने एक लिस्ट बनाया है, उनमें अगर आपका नाम आता है तो आपको प्राइस मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, मोटिवेट मिला। दूसरा है डिटेल लिस्ट, अगर आप बनना नहीं चाहते तो डिटेल लिस्ट में आपका नाम आएगा, अगर वो 74.9 है तब भी आपका वो रेड कार्पेट हो जाता है, मेरा 75% होगा, जैसा कैंपस है ना, जैसा एमबीएस है ना, मैं तो रोज ही आऊंगा, इंटरेक्टिव और इंटरेस्टिंग होती है ना, लगता है कि नहीं जाना चाहिए, कुछ मिस हो जाता है, कभी भी मिस हो जाए क्लास से लगता है यार आज ये मिस कर दिया, आज ये मिस कर दिया, आप एवरी लेक्चर अपना फीडबैक दे सकते हो, फीडबैक तो एवरी लेक्चर आपका अटेंडेंस ले लेते, फीडबैक मतलब फीडबैक आप दे नहीं दे, हां स्टार्स रेटिंग दे, रेटिंग सो दिया, जैसे अटेंडेंस लगी हम आपको रेटिंग देंगे, मतलब हर लेक्चर एवरी लेक्चर एग्जैक्टली स्टार वाइज, और जो फीडबैक आप देते हो उसको इंप्लीमेंट होता है, एम्प्लॉई को एम्प्लॉई जो होते हैं जो कि लेक्चर टीचर्स होते हैं उनको मोटिवेट करने के लिए काफी सारा अवार्ड्स वगैरह मिलता है, रक्ष अवार्ड हुआ अभी रिसेंटली, फैकल्टी फीडबैक मांगा जाता है, मतलब ये एक बहुत इनोवेटिव और यूनिक अप्रोच है कि हर लेक्चर के बाद आपको रेट करना है कि आपका ये सेशन कैसा रहा, कैसा हुआ, ताकि जो फैकल्टी वो भी बिल्कुल ऑन द टोज रहे, है ना, नहीं मुझे अच्छा ही पढ़ाना है, अदरवाइज गंदी रेटिंग नहीं तो फिर लग जाएगी, है ना, सिंपल सिंपल, ठीक है, चलो ये एक बहुत बढ़िया मैकेनिज्म है जो दूसरे कॉलेजेस को भी इंप्लीमेंट करना चाहिए, है ना, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, आप इतनी सारी चीजें हो गई, सारा डिस्कशन हो गया, कुछ ऐसी चीजें डेफिनेटली होंगी जहां इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट होगी, है ना, अश्योरली भी इंप्रूव कर सकता है क्योंकि कंटिन्यूअस लर्निंग का पूरा प्रोसेस होता है, तो कुछ ऐसा कंस्ट्रक्टिव फीडबैक जो आपको लगता हो कि ये इंप्रूव हो जाए या इसको और इंप्रूव कर लिया जाए तो स्टूडेंट जो कर रही है उससे और बेहतर कर सकती है, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक अगर आपको देना हो तो परफेक्ट तो कुछ भी नहीं, जैसे कि पहले आते हो आप तो स्प्रिंट प्रोग्राम होता है, मैं बोलना चाहूंगा कि आपका जो दोस्त हम रहता है पूरा स्प्रिंट रहना चाहिए, जैसे कि स्प्रिंट में आपको काफी सारे चीजें सीखने को मिलता है, काफी स्केड्यूल बहुत टाइट होता है, कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है मैनेजमेंट, इसमें आपको टाइम लिमिटेशन दिया जाता है, उसमें करके दिखाना होता है, तो वो जो स्टाइल है उसी से अगर हम अभी तो वो चेंज हो गया है, तो अगर उसी स्टाइल से वही अप्रोच एक्टिवनेस, अच्छा मोर एक्टिवनेस, आप ये कह रहे हो कि स्प्रिंट वाला जो अप्रोच है उसको थ्रू आउट कैरी सकते हैं सालों तक, वी कैन लर्न मोर, लेकिन उसमें भी आपको जैसे कि उसमें आपको ऑपरेशन चार्जेस वगैरह वो भी देखना पड़ता है, क्योंकि उसमें आपको रोज 10-12 सेशंस होते हैं, उसमें बाहर से गेस्ट लेते हैं, ऐसा ये मतलब एग्जैक्टली अगर स्प्रिंट नहीं तो टू सम एक्सटेंट वैसी अप्रोच विद दैट हाइप यू नो बिकॉज़ टीचर्स आर आल्सो मोटिवेटेड द फैक्ट व्हेन तो आपको इधर से लेके ना सीईओ बना देगा, सीईओ ऐसा वाला डेफिनेटली बन जाएगा, मैं बहुत कॉन्फिडेंट हो गया, बच्चे काम करते ही करते हैं, अंडर प्रेशर इज आल्सो वन थिंग एंड अपार्ट फ्रॉम दैट बिकॉज़ एवरीवन इज नॉट दैट much highly motivated and even confident in the very beginning of MBA. Starting में most of I'm not talking about like हम चार के बारे में नहीं बात कर रही हूँ, like the entire MBA batch, not each one of them were इतना ज़्यादा confident कि stage में जाके directly वहाँ पे burst out कर दे चीज़ें. So sprint program में each one of them got an opportunity to stand there to tell what they feel. So that made a complete difference in the entire class. तो अभी की sprint is like cherry on a cake. हम जो तीन हैं वो टॉप 10 परफॉर्मेंस में आए थे. अच्छा हम जैसे कि आप पहले देखोगे तो इतना कॉन्फिडेंट नहीं थे, लेकिन एंड होते हम ये क्वेश्चंस पूछता था क्लास में कि यार इतना कंप्लीट कैसे करेंगे इसके लिए, इनफैक्ट दोनों सीआईटी में थे टू स्टॉप हिम कि बस कर इतना मत पूछ. मतलब आपका ये कहना है कि क्योंकि देखो होता क्या है ना कि आपको बहुत डाइवर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स को कैटर करना है ना, तो अब इतना अगर जैसा बता रहे हो हेक्टिक शेड्यूल रख लिया जाए अगर 2 साल हो गए तो बहुत सारे स्टूडेंट्स टूट भी सकते हैं उसमें, है ना, क्योंकि मैं जब बात करता हूँ स्टूडेंट्स को तो उनको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, यार जो बहुत हेक्टिक हो रहा है रोना स्टार्ट कर देते हैं, क्रीक करना स्टार्ट कर देते, आप लोग पहले मिले हो दोनों कह रहे हो नहीं हेक्टिक होना चाहिए एक्चुअली, बिकॉज अल्टीमेटली बाद में भी हेक्टिक ही होगा, पड़ेगा
मतलब आप कह रहे हो कि ठीक है अगर उस एक्सटेंट तक नहीं तो उसके ठीक है एक फीडबैक आपका हो गया कंस्ट्रक्टिव, इसके अलावा और कुछ देना चाहोगे कंस्ट्रक्टिव फीडबैक जो भी मन में हो, क्योंकि ये कोई स्पॉन्सर्ड नहीं है, जो भी, क्योंकि देखो स्टूडेंट ही जब फीडबैक देगा तो ऑर्गेनाइजेशन इंप्रूव करेगी एंड ग्रो करेगी। डेफिनेटली मैं तो चाहूंगा कि सुलेन यूनिवर्सिटी काफी ग्रो करे क्योंकि मैंने जैसे बेनिफिट्स उठा रहा हूं तो काफी बच्चे भी आए और दिस हो सकते हैं स्टूडेंट्स क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि जो हमारा टाइम टेबल होता है जैसे होता है सीख बेशक रहे बट जब वो आउटिंग्स होती है ना ग्रुप वाइज आउटिंग्स और आपका बैच के साथ आउटिंग्स दैट इज अ डिफरेंट फीलिंग, आप फ्रेश भी हो जाते हो आप एंजॉय भी करते हो ट्रिप्स एंड आउटिंग्स वो हो सकता है। इसके अलावा आपको अगर कोई कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देना हो तो एज सच तो आई वोंट से एनीथिंग बिकॉज आई एम कम्प्लीटली इन लव विद द कैंपस एंड एवरीथिंग एज आई ऑलरेडी सेड, बट हाँ अगर मुझे कुछ चेंज करना होगा तो मैं एज अ स्टूडेंट यही बोलूँगी कि लेक्चर्स के टाइम आई वॉन्ट कि बच्चों को इंडिविजुअल जो वो होता है ना अटेंशन वो क्या ये होता है तो बड़ी जितनी क्लास होती है इट गेट्स उतना क्या स्टूडेंट क्या भी क्लास की एक क्लास में कितने अभी 120 बच्चे पढ़ रहे हैं अभी चैलेंज कहाँ आता है थोड़ा सा इलैबोरेट करोगे आप ताकि ये लोग भी समझ पाए क्या होता है। मेरे हिसाब से चैलेंज ये होता है लाइक इफ आई एम हैविंग अ प्रॉब्लम किसी भी चीज में सपोजली मुझे एक्सेल सिखा रहे हैं तो एक्सेल में आई एम हैविंग अ प्रॉब्लम मुझे एक प्रॉब्लम है इसको एक प्रॉब्लम है उसको एक प्रॉब्लम है तो दैट कैन नॉट बी सपोजिटली सॉल्व इन वन सिंपल क्लास सो उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस रखना पड़ता है उसके ऊपर से इतना हैवी शेड्यूल अगर आपका हो तो दैट बिकम्स अ वेरी डिफिकल्ट जॉब तो उसको इस तरीके से डिवाइड किया जाए उसी चीज के लिए दे हैव टेकन वन गुड इनिशिएटिव दैट इज हमारी क्लासेस ऑलरेडी ग्रुप्स में डिवाइडेड है तो अगर किसी को एक ग्रुप में किसी को कुछ आता है तो अल्टीमेटली द एंटायर ग्रुप नोज दैट सो दैट इज अ गुड थिंग बट या टीचर का भी जो लेवल ऑफ अटेंशन एक स्टूडेंट को चाहिए होता है दे कैन वर्क ऑन दैट। यस ठीक है सबसे अच्छी चीज क्या लगती है आपको कैंपस के बारे में चलो आपने कंस्ट्रक्टिव फीडबैक तो दे दिया एक या मल्टीपल चीजें भी आप बता सकते हो जो आपको आप चारों को जो सबसे अच्छा लगता हो इस कैंपस के बारे में। इट्स वेरी ओपन कैंपस वेरी ओपन हॉस्टल अगर आप देखेंगे तो हॉस्टल मतलब जैसे कि अगर आप कोई सिटी में जाते हैं होटल में रुकना चाहते हैं तो एवरेज होटल जो होता है ना उसी टाइप का हॉस्टल है। अच्छा सो अगर आपको टाइम मिला आप विजिट करना नहीं तो मैं आपको वीडियो दे आर वेरी हाई मैं विजिट कर लेता जी ठीक है क्योंकि हॉस्टल को लेकर सबसे बड़ा कंप्लेन होता है स्टूडेंट्स का और ये रेसिडेंशियल प्रोग्राम है तो यहाँ हॉस्टल एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डिसीजन मेकिंग में भी तो आप बता रहे हो मतलब जैसे कि आप ऐसा है जैसे होटल जैसे कि मैंने पहले जो हॉस्टल में रहता था अगर आप खाने के लिए जाते हो जहाँ पे प्लेट वगैरह रखते हो वहाँ पे काफी गंदगी होता है जहाँ पे धोते हो वहाँ पे जाम हो जाता है पानी नहीं जा रहा मतलब ये बुरा सीन होता रहता है लेकिन अगर आप ये देखोगे ना ये होटल होटल जैसा ही है हॉस्टल नहीं बनते होटल जैसा ही है पूरा क्लीन आपको ना 24/7 और एक चीज ये लगती है मुझे जो ये हॉस्टल फैसिलिटी है हर मंथ आपका जो मेन्यू है कैसे प्रेफरेंस कुछ कह रहे हैं मुझे ये खाना है कुछ कह रहे हैं अगर हम खाते हो तो उसके बाद आपको फीडबैक देना होता है तो उसमें हम फीडबैक देते हैं उसी के हिसाब से कंसीडर जैसे कि बाहर एरिया है काफी बच्चों को ये होता है जो कि बाहर से आ रहे हैं कि ड्रिंकिंग वाटर मिलता है कि नहीं मिलता है तो ये ना काफी अच्छा ट्रीटेड वाटर आपको मिलता है बहुत प्यूरिफाइड वाटर 24/7 मिलता है कोल्ड वाटर मिलता है हॉट वाटर मिलता है नॉर्मल वाटर मिलता है मेरे कैंपस में एक तो दैट्स सो ग्रीन ठीक है ऊपर से इस ओपन एनवायरनमेंट है बहुत कैची रहता है सब कुछ कि यहाँ से वहाँ आप इजीली जा सकते हो और मींस एवरीथिंग इज ग्रेट ठीक है आई डोंट हैव लाइक एक चीज मैं ऐड करूँ मुझे लग रहा है कि यहाँ जिम जाने की जरूरत नहीं है नहीं ऐसे बना हुआ है ना कैंपस की बाय डिफॉल्ट आप बोलने वाली थी आपको आप कवर कर लो ठीक है जो जिस तरीके से हमारा कैंपस बिल्ड हुआ हुआ है अगर हमारी क्लासेस हॉस्टल से आई एच लग रही है नीचे और हमारे को दिन के चार चक्कर मारने तो ऑटोमेटिकली आपका स्टेप काउंट से ज्यादा पहुंच जाता है कार्डियो हो जाती है दिस इज समथिंग की आप तो ये कॉम्प्लीमेंट्री मिल रहा है आपको हाँ, उसके लिए आप पे हाँ,
हमारे जो फैकल्टीज भी होते हैं उनको भी मतलब अगर वो ये लंबा टाइम के लिए इधर जॉब करते हैं तो उनको हार्ट अटैक वगैरह कुछ नहीं आप हम लोग हार्ट अटैक से कभी भी नहीं हम लोगों को कुछ होने वाला है। आप बताइए आपको सबसे अच्छा क्या लगता है कैंपस के बारे में? मुझे तो जो ओवरऑल वाइब है कैंपस की, आप कहीं भी बैठ जाओ, आप मतलब कहीं भी बैठ सकते हो, पूरे दिन में बैठ जाओ, या शाम को अभी जब आप बाहर जाओगे आप देखोगे लाइट्स ही लाइट्स लगी हुई है जिस तरीके से जो हमारे कैफेज खुले हुए हैं, जो वहाँ पे लोग हैं वो किस तरीके से हमसे बात करते हैं, वहाँ का खाना, मतलब सब कुछ अच्छा है। इस कैंपस के बारे में तो कोई बोल ही नहीं सकता कि आपको क्या नहीं पसंद है। अच्छा क्या लगता है? मुझे पूरा कैंपस अच्छा लगता है। आपको क्या अच्छा लगता है सबसे ज्यादा कैंपस के बारे में? आई लव इसका वाला पॉइंट इज ऑल्सो सुपर, मैं यही बोलवा रही थी पहले, बट इसके अलावा भी यहाँ पर ये फील नहीं होता है कि आप घर से दूर हो। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ होती है, बिकॉज घर से इतना दूर आके इफ़ यू फील सिक एवरी टाइम तो दैट इज प्रोडक्टिविटी। यहाँ पर कभी भी बीमार फील नहीं होता है, हमेशा यही लगता है आप घर पे हो किसी भी। और टीचर्स सबसे ज्यादा सपोर्टिंग टीचर्स हैं यहाँ पर, आप किसी को भी किसी भी टाइम अप्रोच कर सकते हो, इज नथिंग कि आपको किसी भी चीज़ के बारे में शाय फील हो, कुछ भी हो, कभी बीमार हो तो टीचर्स हेल्प आउट कर रहे थे, कभी कोई बुकिश कोई प्रॉब्लम है तो टीचर्स अप्रोच कर लेंगे। नॉट ओनली टीचर्स बट हाई लेवल पे जो भी हमारे हैं ना उनको भी आप डायरेक्टली जाके बात कर सकते हो। लाइब्रेरी देखो आपने, काफ़ी अच्छा है आपका लाइब्रेरी तो है बिल्कुल। किस किस चीज की तारीफ करूं? 24/7 आप देख सकते हो, पढ़ने का मन करेगा ना ये व्यूज देखते देखते, तो जिसका ना भी मन करे वो भी आके लाइब्रेरी पढ़ के मटर। अच्छा अब एक सीरियस पॉइंट पे आते हैं, कुछ पेरेंट्स हैं ना जब बात होती है मेरी उन लोगों से तो उनका ये होता है कि अब पहाड़ पे भेजने से थोड़ा कतराते हैं, क्योंकि आए दिन न्यूज आता रहता है कि थोड़ा सा लेंथ ये स्लाइड हो गए पहाड़ अंदर, अब क्या ये हो गया वो हो गया, तो मतलब आप और एक सिक्योरिटी का भी अगर एक फीमेल स्टूडेंट है कहीं बाहर से भेज रहे हैं पेरेंट्स तो उनका एक कंसर्न होता है सिक्योरिटी वाइज, है ना। मैं देख रहा हूँ मुझे तो पर्सनली सब कुछ परफेक्ट दिख रहा है, आप बताओ आप दूर से आए हो है ना, ओडिशा से आए हो है ना, आप बताओ कि एक पेरेंट्स के जो भी कंसर्न होते हैं आपको क्या लग रहा है कि वो कंसर्न्स किस तरीके से रिजॉल्व किए गए हैं यहाँ पे? मैंने तो जो पेमेंट कर दिया था उसके बाद न्यूज काफी सारा आया था, इधर स्लाइड हो गया वहाँ स्लाइड हो गया, मैं तो पूरा डर गया था, लेकिन जब आप न्यूज पे देखते हो ऑन द स्पॉट आते तो डिफरेंस काफी होता है, तो न्यूज में थोड़ा आपको हाईलाइट करके दिखाते हैं तो, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। और इधर का जो गवर्नमेंट है ना वो काफी परसिस्ट रहता है कि कौन से वो ना बंद है कौन से चल रहे हैं, वो जो हाईवे बना हुआ है चंडीगढ़ से, मतलब ऐसे हाईवेज तो मैं मेन सिटीज में नहीं देखता हूँ, कनेक्टिविटी इतनी सॉलिड है मतलब टाइम ही नहीं लगता है। इनफैक्ट जब हम लोग उत्तराखंड जाते हैं वहाँ अगर आपको 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर जाना है तो 1.5 घंटे 2 घंटे लगते हैं, यहाँ पे आने में बिल्कुल टाइम नहीं लगा, अब पता भी नहीं लगता है कि अगर कहाँ पे लैंडस्लाइड होने वाला है तो उसको बंद कर देते हैं, बाद में भी होता है तो उसको क्लियर भी आपको घर पे वीडियो कॉल करवा रहे हैं तभी साइन होगी अगर आप अपने पेरेंट्स से बात करवा रहे हो और फिर आप बाहर नाइट आउट जा सकते हैं। और द बेस्ट पार्ट इज जो गर्ल्स हॉस्टल है वो कैंपस के अंदर है, ये हमारा पूरा गर्ल्स हॉस्टल है और बॉयज हॉस्टल कैंपस के बाहर है, तो एक ग्रेट मेजर डिफरेंस है। और हमारा जो कैंपस इन टाइम है वो चेंज हो जाता है 7 just because it gets dark, और जो hostel in timing है वो 9 है, 9 o'clock के बाद अगर आप enter करो आपके घर पे फोन जाएगा कि आपने late enter किया है। So this is even for boys it's 9 o'clock. कुछ ऐसे skills आप मुझे बता दो जो स्टूडेंट अगर पहले से सीख के आए, ठीक है, या कुछ ऐसे टिप्स बता दो, प्रो टिप्स बता दो या हैक्स कह लो उसको, जो अगर डे वन पे मैं आ रहा हूँ, ठीक है, आप लोग पुराने हो गए हो तो कुछ ऐसे हैक्स जो मुझे पता होना चाहिए ताकि मेरा जो जर्नी है वो थोड़ा स्मूथ हो सके, मतलब MBA के लिए या MBA के लिए बताओ मुझे। You no need to be anxious about anything. Everyone going to help you. यहाँ पर help सब लोग करेंगे, but like तो आपको communication, well that is basic for every rules. Communication में अच्छा होना ही should be there. क्या बोलना? बस क्या बोलना? अरे आपको कोई भी problem हो help out सब लोग कर ले. It's not just them. Like अगर आप बैठे हो आप किसी law student से भी help मांग रहे हो कि वो आपकी help you out. वो मतलब हिमाचल के लोग ही इतना अच्छे. हाँ वही लोग भी आ रहा था, हिमाचल के लोग बहुत ज्यादा ही happy हैं. Behavior wise काफी अच्छे हैं. मुझे ऐसा लग रहा है कि हमने जो भी चीजें हो सकती हैं वो कवर कर ली, आप लोगों को अगर लगे कुछ छूट गया आपके कैंपस के बारे में तो ऐड कर दो। मैं तो ऐसे ही बोलूंगी गाइस वेलकम टू शूलिनी, एंड प्लीज अगर आप सोच रहे हो शूलिनी को कंसिडर करना फॉर MBA डेफिनेटली यू शुड ट्राई
just to go to the at the times of admission they give you a campus tour yahan pe inka yogananda villa hai wo aapka stay karwate hain वो पूरा आपको कैंपस टूर करवाते हैं ये देख मेरे के देखिए आपको पसंद आ रहा है नहीं पसंद आ रही है सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं यूनिवर्सिटी बिफोर एडमिशंस और एट द टाइम ऑफ एडमिशंस एज एमबीए गुड इन्वेस्टमेंट बिकॉज़ व्हाट वी आर डूइंग एन इन्वेस्टमेंट तो वर्किंग कैपिटल भी अच्छा ही मिलेगा आपका आरओआई अच्छा होगा अच्छा होगा अगर आप कंसिडर करते हो ठीक है इसी नोट पे रैप करते हैं आई होप जो भी डाउट्स एक स्टूडेंट के मन में होते हैं जब आप कॉलेजेस को कंसिडर करना स्टार्ट करते हो या कंपेयर करना स्टार्ट करते हो वो सारे के सारे डाउट्स मैंने कोशिश की इनसे पूछूं बिल्कुल अनफिल्टर्ड होके जैसे हमारे चैनल का नाम है हमारी कोशिश होती है न्यूट्रल होके हम आपके लिए वो सारी इन्फॉर्मेशन गैदर कर पाए जिसके बेसिस पे आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले पाओ इसके बावजूद अगर कोई क्वेश्चन होता है जो हमसे छूट गया बिल्कुल आप रीच आउट कर सकते हो मैं पूरी कोशिश करूंगा हमारी जो काउंसलर्स की टीम है वो आपके जो भी डाउट्स होते हैं उनको रिजॉल्व कर पाए थैंक यू सो मच हमारे साथ बने रहने के लिए